Guys, very good evening. Let's start with the fifth unit of the same chapter, chapter number 4. और जिसका पांचवा यूनिट आपके सामने ये रहा, जिसका नाम है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट. Once again, I'll revise the name of this chapter, International Capital Movement. नाम से ही लग रहा है कुछ तो ऐसा हम लोग को ये सीखने मिलेगा कि भारत के प्रोग्रेस के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत के उन्नति के लिए अब हमें पैसों की जरूरत है. आप सभी जानते हैं भारत के पास में उतना पैसा नहीं है कि भारत अपना उद्धार खुद कर सके. इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के बाहर के लोग भारत के अंदर पैसा लगाएं, ताकि उन पैसों से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए डेवलपमेंट. इसलिए आपने कई बार एक शब्द को सुना होगा जिसका नाम है FDI, जिसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. नाम में ही लिखा है कि आप करेंगे भारत के बाहर के लोग भारत के अंदर निवेश, जिसकी वजह से भारत को मिलेगा बहुत सारा पैसा और उन पैसों का इस्तेमाल होगा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने के लिए, भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के लिए, भारत के बिजनेस को बढ़ाने के लिए. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले कि हम लोग चैप्टर की ओर बढ़े. आपको क्या लगता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ FDI? FDI इस शब्द से आपको क्या लगता है, व्हाट इज दैट? तो मतलब क्या हुआ, क्या FDI आपने कभी सुना है? राइट, आपने कभी इन दिनों में काफी ये शब्द को आपने चर्चा में सुना होगा. वैसे हमें इसका श्रेय देना होगा हमारे माननीय मनमोहन साहब, जिन्होंने 1991 में जब भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसी समय पे उस नरसिंह राव के और कांग्रेस गवर्नमेंट के राज में ही FDI को इंट्रोड्यूस करवाया गया था. सो FDI, अगर आपको लगता होगा इट इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है. इसकी आजकल हवा बहुत है, बिकॉज FDI रिटेल सेक्टर में आने की बात कर रहा है. अगर आपको यह लग रहा होगा कि FDI मोदी जी सरकार ने भारत में लाया, तो आपकी ये गलत फहमी है. द FDI कॉन्सेप्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1991, कांग्रेस के राज में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. पर सवाल ये उठ रहा है आखिर इस FDI का मतलब क्या है? दोस्तों कैसा है, आज तक ये था 1991 के पहले भारत के सारे बिजनेस के अंदर भारत वाले ही पैसे लगाकर उसको भारत वाले ही चला. इट वॉज रन बाय इंडियंस, इट वॉज फॉर इंडियंस. दोस्तों मतलब स्वप्निल पार्टनर्स क्लासेस अगर FDI हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स को लगता है कि स्वप्निल पार्टनर्स क्लासेस का बहुत ग्रोथ होने वाला है और उनको लगता है ऐसा, तो वो क्या करेंगे, बोलेंगे एक काम करते हैं स्वप्निल पार्टनर्स क्लासेस को हम लोग अब एक्वायर करेंगे, या हम कुछ प्रतिशत पैसा स्टेक इसमें ले लेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि स्वप्निल पार्टनर्स क्लासेस का बहुत ग्रोथ होने वाला है. जैसे कि आपने इन दिनों में एक चर्चा सुनी होगी कि वॉलमार्ट ने 76% पैसा जो है वो फ्लिपकार्ट में लगा दिया. इट इज वन ऑफ द मेजर एंड बिग डील ऑफ FDI, जिसकी वजह से ये हुआ कि वॉलमार्ट विच इज नॉट एन इंडियन कंपनी, विच इज फ्रॉम अमेरिका, दे हैव इन्वेस्टेड 76% ऑफ द स्टेक इन व्हाट फ्लिपकार्ट. अगर FDI नहीं होता, ना बिल गेट्स SPC में आता, ना वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट में आता. आज FDI की वजह से भारत के बाहर के लोग इंडिया के उन अच्छे बिजनेस में अपना पैसा लगा के इंडिया में बिजनेस करने का सपना पूरा कर सकते हैं. फिर सवाल ये उठ रहा है कि भारत वाले लोगों को ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि भारत के बाहर वाले लोगों को इंडिया में बुलाए. दोस्तों सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ FDI टू इंडियंस, आखिर मोदी जी क्यों इतना FDI के पीछे पड़े हुए, आखिर मेक इन इंडिया के अंदर FDI के कॉन्सेप्ट की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आप सभी जानते हो भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार है. अगर इन रोजगार यहां पे इन बेरोजगारों को अगर रोजगार उपलब्ध करना है, तो भारत में बहुत सारी इंडस्ट्रीज का चालू होना जरूरी है. पर आप सभी समझ सकते हो भारत में इतने बड़े उद्योगपति नहीं है कि जो भारत में पैसा लगे और नया नया बिजनेस जनरेट कर सके. इसलिए हम लोग वर्ल्ड के सारे तमाम कंट्रीज को बोलते हो कि आओ मेक इन इंडिया करो, आओ तुम हमारे बिजनेस में हाथ बार लगाओ, या तुम्हारा अपना बिजनेस लाओ, मेक इन इंडिया या FDI. आपको अगर मैं सवाल पूछूंगा FDI करने के दो तरीके कौन से है, FDI एक तो ऐसा होता है कि एक काम करेंगे इंडिया के अंदर का जो चला चला है बिजनेस है उसमें आके तुम पार्टनरशिप कर लो, या फिर तुम अपना ही नया धंधा चालू कर दो. दो तरीके से FDI आता है. जैसे एग्जांपल, वॉलमार्ट ने ई कॉमर्स के अंदर फ्लिपकार्ट के अंदर पैसा लगा दिया, वो भी FDI है. और दूसरा तरीका वॉलमार्ट के पास में ये भी है कि वॉलमार्ट अपने खुद का ही धंधा चालू कर दे. जैसे कि वॉलमार्ट ने बिग बाजार जैसे स्टोर्स भी अब इंडिया में खोलना चालू कर दिए है, जिसमें आपको रिलायंस फ्रेश या मोर, आपने इस ब्रांड को सुना होगा,
वैसी जात की वॉलमार्ट अब इंडिया को फ्रूट्स भी बेचेगा, वेजिटेबल बेचेगा, किराने का सामान बेचेगा। अब वॉलमार्ट वो भी इंडिया में कर रहा है। इसका मतलब एफडीआई दो तरीके से हुआ, एक तो इंडिया का जो प्रसिद्ध बिजनेस है उसमें आके पैसे लगा दो, या फिर अपना ही ब्रांच, अपना खुद का धंधा इंडिया में चालू कर दो। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एफडीआई दोस्तों, एफडीआई से हुआ क्या? एफडीआई से हुआ कि फॉरेनर्स आर गेटिंग चांस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स इन इंडिया, दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस इन इंडिया। 1991 के पहले इस तरह की चीजें नहीं हुआ करती थी। पर आप सभी से एक सवाल है, आपको लगता नहीं कि अगर एफडीआई इंडिया में आएगा जिस तरह से फायदे होंगे, चलो थोड़ा बहुत और फायदों की बात कर लेते। फायदे क्या होंगे? अब सोचो वॉलमार्ट आएगा, वॉलमार्ट आएगा तो हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। छोटा सा बिग बाजार होता है, 1000 एम्प्लॉयज को नौकरी मिल जाती है। अब सोचो अगर वॉलमार्ट भारत के 40-50 शहरों में खुल जाएगा तो इन 40-50 शहरों में कम से कम 1,00,000 लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो अब सोचो वॉलमार्ट जैसे, अमेजोन जैसे और बड़ी बड़ी ब्रांड्स को अगर बोल दिया, आपने कभी इकाई नाम का एक ब्रांड सुना होगा, ये बहुत बड़ा फर्नीचर का ब्रांड है जो अभी तक इंडिया में आया नहीं है। वो ब्रांड इंडिया में क्यों नहीं आ रहा था? बिकॉज उसको ये लग रहा था, हमारे भारत के एफडीआई ने एक कंडीशन पुट की थी कि भाई एक काम करो, तुम इंडिया में आके फर्नीचर की दुकान खोल दो, पर तुमको जो रॉ मटेरियल लगेगा वो रॉ मटेरियल तुमको भारत के लोगों से ही खरीदना पड़ेगा, ताकि हमारे भारत के जो छोटे उद्योग है उनको प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि छोटे छोटे जो फर्नीचर बनाने वाले लोग है उनके धंधे बंद हो रहे थे। तो वो लोग क्या करने लगे, भारत वालों ने डिमांड की कि एक काम करते कि तुम इंडिया में आके बिजनेस करो, तुम इंडिया में फर्नीचर बेचो, पर तुम्हारा जो रॉ मटेरियल वो इंडिया से ही लेना पड़ेगा। उन्होंने इसके ऊपर खास बहिष्कार किया, पर भारत वाले को अल्टीमेटली हार मानना पड़ी। और हमने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अगले 5 सालों तक तुमने भारत वालों से नहीं भी लिया तो चलेगा, तुम आकर इंडिया में सिर्फ बिजनेस एस्टेब्लिश करो। मुझे बताओ व्हाट इज द प्लान बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग एफडीआई इन इंडिया। एफडीआई आने की वजह से क्या होगा कि अब सोचो एक वॉलमार्ट, एक इकाई, एक अमेजोन की जब दुकान खुलती है, हजारों लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, उस एरिया के रास्ते बढ़ जाएंगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल जाएंगे। सोचो अब उतना सारा माल इंडिया में बनेगा, उतना सारा इंडिया में माल बनेगा तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो इसी तरह से पूरी तरह से भारत का उद्धार होगा। बट एट द सेम टाइम आपको एक समझने की जरूरत है, वो ये है कि आपने इन दिनों में एक घटना सुनी होगी जिसमें आपने ये सुना होगा कि जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि जब से रिटेल सेक्टर में, आज तक मोदी सरकार आने से पहले रिटेल सेक्टर में, रिटेल मतलब किराना दुकान, रिटेल मतलब चिल्लर चीजें, छुट्टा खुर्दा खुर्दा, मतलब क्या, एक शर्ट लेना, एक टी शर्ट लेना, एक जूता लेना, एक चप्पल लेना, ऐसी चीजों को बेचने का अधिकार अभी तक मोदी सरकार आने से पहले कभी भी एफडीआई ने इन रिटेल सेक्टर में घुस, एक एक मोबाइल बेचना, उसमें उनको इजाजत नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगाते हुए कहा कि आओ तुम अब रिटेल धंधे में भेजा, तुम अपनी किराना, सोचो ना एक किराना दुकान खुली है और उस किराना दुकान का मालिक कौन है, बिल गेट्स, वो बाजू में बैठा है मंडई में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह की दुकानें इंडिया में खुलेगी। अब सोचो ट्रंप आके शुक्रवार पेट में किराना शॉप चालू करेगा, जेरोक्स की शॉप चालू करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह की चीजें अब भारत में होगी और अब छोटे छोटे दुकानदार जो है वो हो जाएंगे बर्बाद। इसी वजह से कई लोगों ने क्या बहिष्कार, यहां तक कि जब जितने भी विरोधी पक्ष नेते हैं उन्होंने एफडीआई जब रिटेल में आया तो उसका बहुत बहिष्कार हुआ। कई लोगों को लगने लगा कि एफडीआई इन दिनों में आया, मोदी जी ने लाया, पर उनको क्यों लगने लगा, आज तक एफडीआई था पर एफडीआई बड़े बड़े क्षेत्रों में था, रिटेल में था नहीं, बहुत बड़े बड़े चीजों में था, इसलिए आम आदमी को पता नहीं चला एफडीआई क्या होता है। अब एफडीआई के बारे में क्यों मालूम चला, बिकॉज एफडीआई अगर रिटेल सेक्टर में आएगा, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट अगर अपना किराना शॉप चालू कर देगा तो सोचो कितने किराना दुकान वाले बर्बाद हो जाएंगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वॉलमार्ट की जो रेट होते हैं वो आम जनता से, आम किराना दुकान से 20% से कम होंगे, तो जाहिर वो बड़े किराना दुकान हो जाएगी जहां पे आम आदमी को लॉटरी लगेगी। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, आम आदमी को, आम जो बायर्स है उनको हो जाएगा बहुत ज्यादा फायदा, बिकॉज उनको चीजें मिलने लगेगी सस्ती। बिकॉज अब वो इतना बड़ा दुकानदार जिसका इतना बड़ा सेल होता है वो सस्ते में चीजों को बेचेगा, और सोचो जो बायर्स हो जाएगा उसका हो जाएगा फायदा। नुकसान किसका होगा, जितने भी किराना शॉप वाले हो रहेंगे उस शहर के वो होने लगेंगे बर्बाद। इसीलिए उन सारे लोगों ने इकट्ठा आके इसका किया था बहिष्कार। इसीलिए आपने कई दिनों में सुर्खियों में सुना होगा इसको बंद करो, एफडीआई को इंडिया में आने मत दो। अब सोचो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी एक कड़ी का हिस्सा है, आप समझ रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये तो था, उनको हमने बोला था कि आओ आओ इंडिया में बिजनेस, और उन्होंने अल्टीमेटली हमारी बजा के गए थे।
तो कांग्रेस वालों का ये भी मुद्दा है कि अब तुमने एफडीआई को इतना ही चालू कर दिया है, सोचो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा हो गया तो वॉलमार्ट क्या करेगा, इतना सस्ते में बेचेगा कि सारे किराना दुकान वाले बर्बाद हो जाएंगे और एक समय आएगा मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी सिर्फ वॉलमार्ट की, और वॉलमार्ट उस समय लुटमार चालू करेगा, ऐसा भविष्य सारे लोगों को लग रहा है, ऐसा हो सकता है। पर एट द सेम टाइम हमें यह भी समझने की जरूरत है कि वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है वर्ल्ड की जिन्होंने एफडीआई को स्वीकारा नहीं है। तो भारत जो वर्ल्ड की 7 नंबर की बड़ी इकोनॉमी है, इस चीज से अपने आप को वंचित कैसे रख सकती है? इसीलिए भारत के मोदी जी ने कहा कि नहीं नहीं, अगर वर्ल्ड के इतने लोगों ने किया है तो हमने भी करना चाहिए, हमें भी अब मैक्सिमम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, हमें भारत के इन नागरिकों को क्या देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। करोड़ों लोग जो हमारे भारत के हैं क्या कर रहे हैं, जो सीखे हुए पर जिनको जॉब नहीं मिल रही। मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि हम लोग स्किल्ड इंडिया डेवलप करेंगे, मतलब ये करेंगे जितनी फॉरेन कंपनी आएगी उनको जो जो जिस टाइप का स्किल लगता है उस तरह का स्किल्ड एम्प्लॉयज हम लोग इंडिया में क्रिएट करेंगे, ताकि हम लोग उन कंपनियों को उसी टाइप का स्किल सप्लाई करेंगे जिस टाइप के स्किल की उनको जरूरत है। इसी तरह से आपको एक सबसे बड़ा खुलासा इस समय यहां पे करने की जरूरत है। आओ देखे, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूंगा, प्लीज चेक इट आउट, अभी आपको समझ में आएगा और भी बहुत सारी चीजें। एफडीआई नीति में बड़े बदलाव के ऐलान से वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों को कारोबार फैलाने के नए मौके मिल सकते हैं। ये कंपनियां नई नीति का फायदा उठाकर खुदरा कारोबार में अपना दबदबा बना सकती हैं। अमरीकी कंपनी वॉलमार्ट फिलहाल देश में बेस्ट प्राइस मॉडर्न होलसेल के नाम से थोक बिक्री के 21 मेगा स्टोर चलाती है। कंपनी सीधे उपभोक्ताओं को सामान नहीं बेच सकती क्योंकि ये चीज तो वॉलमार्ट पहले से ही कर रहा था, पर ये होलसेल था, ये रिटेल नहीं था। यहाँ पे खरीदने का अधिकार सिर्फ किराना दुकान वालों, किराना दुकान ही वॉलमार्ट से जाके खरीदते थे, अब इन वॉलमार्ट से किराना दुकानों ने आप जैसे मेरे जैसे सामान्य नागरिक भी इस एफडीआई के नए रूल्स के मुताबिक यहाँ से भी खरीद सकते हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि इसकी वजह से भारत की जनता का फायदा होगा। जी हाँ, बहुत फायदा होगा। किसका नुकसान होगा? रिटेल के सारे सेक्टर का होगा। मोदी जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, पर सही बात तो यही है, रिटेल सेक्टर के जो किराना शॉप से वो बंद हो जाएंगी तो कुछ रोजगार बढ़ जाएंगे और कुछ रोजगार बंद भी हो जाएंगे, बिकॉज उस किराना शॉप में भी 2-3 लोगों का पेट भर रहा था, अब वो लोग हो जाएंगे बेरोजगार और कुछ नए लोगों मिलेगी रोजगार, तो अल्टीमेटली नल इफेक्ट हो जाएगा। देश में अभी मल्टी ब्रांड रिटेल की इजाजत नहीं है, इसी वजह से अमेजोन भी भारत में सीधे तौर पर अपने बनाए प्रोडक्ट बेचने की जगह अपने ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पर दूसरे उत्पादकों और विक्रेताओं के सामानों की बिक्री करती है। लेकिन मोदी सरकार ने कल सीधे विदेशी निवेश के बारे में जो ऐलान किए हैं उनसे ये हालात बदलने वाले हैं। सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 100% विदेशी निवेश की इजाजत भले ही ना दी हो, लेकिन खाने पीने की चीजों में ये छूट दे दी गई है। मतलब मल्टी ब्रांड्स, मतलब वॉलमार्ट अमेजोन जो मल्टी ब्रांड्स है, जो बहुत सारी चीजें, देखो सिंगल ब्रांड मतलब नाइकी, सिंगल ब्रांड मतलब कौन एडिडास, सिंगल ब्रांड मतलब कौन पेपे जींस, सिंगल ब्रांड मतलब कौन FCUK, सिंगल ब्रांड मतलब क्या ज़ारा, इन सबको बोल दिया गया है कि तुम 100% अपनी दुकानें खुद के मालकी की इंडिया में खोल सकते हो। ये तो 100% उनके लिए हो चुका है रिटेल में। Now the question is, what is the difference between Walmart and Nike? Nike is selling only one product, whereas Walmart is sending what? Come on, the multiple brands. इसलिए multiple brands में अभी भी 100%। Allowed? नहीं किया है। वापस से कहना चाहूँगा, एक बात समझ लीजिए। Nike में Nike वाले को बोला कोई बात नहीं तुम आओ। सपोज एग्जाम्पल, एक कोई स्वीट वाला है, स्वीट जो यूएसए में बहुत फेमस है, वो आके इंडिया में खुद के दुकान चालू करेगा, खुद की स्वीट बनाएगा, काका हलवाई को और हल्दीराम को कॉम्पिटिशन देगा, लेट देम डू इट, नो प्रॉब्लम। 100% को इंडिया में कोई भी व्यक्ति से पार्टनरशिप करने की जरूरत नहीं है। पर आपको ये बात समझने की जरूरत है, ये जरूरत है कि अगर मैं वॉलमार्ट की बात करूंगा तो वॉलमार्ट को अभी भी कह दिया, जितने भी लोग मल्टी ब्रांड्स में है, मल्टी ब्रांड समझते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें, वॉलमार्ट में जाओगे तो बिग बाजार इज ऑल्सो मल्टी ब्रांड, इनको कह दिया है कि अगर तुम्हें इंडिया में करना है तुम खाने पीने की चीजें, मतलब किराना शॉप या फिर रिलायंस प्लेस जैसी चीजें, वो चीजों में अगर आपको करना है रिटेल में तो तुम वो 100% कर सकते हो, पर अगर दूसरी चीजें अगर होगी तो वो तुम नहीं कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, कल घोषित नई नीति के तहत भारत में बनने या पैदा होने वाले खाने पीने की चीजों के कारोबार में 100% विदेशी निवेश की छूट दी। समझ गए, खाने पीने मतलब ही किराना शॉप्स,
इनमें 100 मतलब किराना शॉप 100% एफडीआई हो सकता है, मतलब वॉलमार्ट अमेजॉन खाने पीने की चीजें इंडिया में चालू कर सकता है, इज इट ओके आगे। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर वो मल्टी ब्रांड्स है और खाने पीने की चीजें नहीं है, बोलो जल्दी से, तो चालू कर सकता है या नहीं कर सकता? जा रही है ये छूट ई कॉमर्स यानी इंटरनेट के जरिए होने वाले कारोबार पर भी मिलेगी, वॉलमार्ट और अमेजॉन। मतलब ई कॉमर्स के इसमें भी जो खाने पीने की चीजें होगी, बोलो आगे, उसमें भी बोलो जल्दी से 100% एफडीआई हो सकता है। हमारे सिलेबस में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बताओ किसमें कितनी लिमिट है, हमारे सिलेबस में इतना बोल रहे एफडीआई का एफडीआई का। ये तो मैं आपको अधिक जानकारी बता रहा हूं कि ऐसा अभी इन दिनों में हुआ है, जो हमारे किताब में भी नहीं लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं आपको इस वीडियो के बाद में लिमिट दिखाऊंगा कि कौन से धंधे में कितने कितने परसेंटेज, जैसे कि इंश्योरेंस का बिजनेस आपने कभी सुना होगा, कौन सा एक सुना होगा बिजनेस, बहुत सारे इंश्योरेंस, बिरला सन लाइफ सुना है, हाँ मैक्स कुछ तो सुना होगा ना, हाँ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। आप ये बिरला सन लाइफ जो है ना, वो बिरला इंडिया का है और सन लाइफ इंडिया के बाहर का है। और सन लाइफ को अगर लगेगा ना कि मैं इंडिया में आके पूरा अपना आखिर खुद का इंश्योरेंस खोलूंगा, इट इज नॉट अलाउड। वहां पे लिखा है इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आके 49% से ज्यादा का स्टेक नहीं रख सकती, मतलब अगर इंडिया में झकमार के पार्टनरशिप के साथ में ही आना पड़ेगा इंश्योरेंस के बिजनेस में। पर कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां पे उनको अभी मोदी जी सरकार ने बोल दिया कोई बात नहीं, तुम आके पूरा 100% इंडिया में खुद ही काम करो, हम जैसे भारतीयों के साथ में तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसी कंपनियां इस छूट का फायदा उठाते हुए भारत में खाने पीने की चीजों का खुदरा कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू कर सकती है। वॉलमार्ट अपने होलसेल स्टोर्स के जरिए खाने पीने की चीजों की थोक बिक्री तो पहले से ही कर रही है। अमेज़न भी अमेरिका में अमेज़न फ्रेश के नाम से खाने पीने की चीजों का कारोबार बड़े पैमाने पर करती है। 100% विदेशी निवेश की छूट ई कॉमर्स में भी लागू होने के कारण उसे अपना कारोबार तेजी से फैलाने में और आसानी होगी। नई नीति से बिग बास्केट और ग्रोफर्स जैसे नए खिलाड़ियों और बिग बाजार जैसे बड़े देसी स्टोर्स के लिए विदेशी पूंजी जुटाने का रास्ता भी आसान हो जाएगा। कृषि उत्पादों की खरीद और बिक्री, और सबसे बड़ी बात जो एक सवाल उठाएंगे, किसानों के लिए अच्छी बात या गंदी बात? किसानों के लिए बहुत हो जाएगी अच्छी बात। वजह ये हो रही है कि पहले उनका माल मिडलमैन बहुत सस्ते में माल खरीद रहा था, इसीलिए भारत के आम आदमी आम किसानों को कभी भी अपने माल का अच्छा दाम नहीं मिल रहा था। अब ये लोग डायरेक्टली वॉलमार्ट जैसे लोगों को अपने माल को बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, उनके बाद में जो भी सारी जो चीजें खेत में आती है, दे कैन डायरेक्टली सेल टू वॉलमार्ट एंड दे वुड बी गेटिंग एडिक्वेट प्राइस फॉर देयर गुड्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और आपको एक बात सबसे बड़ा खुलासा जो अब तक नहीं किया, भारत में आज भी जितना माल पकता है सिर्फ 6% माल ही प्रोसेस होता है और बाकी सब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और उसमें जो एक्सपोर्ट नहीं होता है ऐसा 30% माल इंडिया में बनता है पर सड़ जाता है, जिसका कोई भी गोदाम में रखने का जगह भी नहीं है। मतलब सोचिए, भारत में 100% माल जो बनता है 30% माल सड़ जाता है, जिसका कोई भी प्रोसेस, सोचो गरीबों को खाने के लिए नहीं पर वो माल जगह न रहने के लिए वजह से खराब हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग फेंक दे रहे, मेरे घर में 100 बोरी रखी थी, बारिश हो गई कुछ हो गई 20 बोरी खराब हो गई, मेरे घर में बारिश अभी बारिश हो रही बाहर 20 बोरी खराब हो गई। इस तरह से अगर मैं डैमेज की बात करूंगा तो 30% माल जो है इंडिया का खराब हो रहा है। इसलिए ये एफडीआई जब आएगी तो इनके इनको कंपलसरी कर दिया कि तुमको यहाँ पे अपने पैसों से गोदाम बनाना जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं, तुम एफडीआई करो पर इंडिया में इतने रोड बना के करो, तुम एफडीआई करो पर इतने बड़े गोदाम होना चाहिए, तुम इंडिया में आओ पर तुमको माल हमारे फार्मर से इसी दाम पे खरीदना पड़ेंगे। एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब जो लोग एफडीआई को इस नेगेटिव भावनाओं से देख रहे वो उतना भी खराब नहीं है। कुछ लोगों का वाकई में जो बोल रहा है कि एफडीआई पूरी तरह से खराब है ऐसा भी नहीं है, उसमें कुछ अच्छी प्रोज एंड कॉन्स तो देखो सीए कर रहे हैं, अच्छी बात भी बुरी बात भी है। क्या सीए कुछ लोग बोलते खराब है? वाकई में अगर अंदर से महसूस कर ले तो बड़ा ही बेकार कोर्स लगता है, बिकॉज जवानी बर्बाद हो रही है। पर अगर मैं हुनर सम्मान अभिमान की बात करूं तो इससे अच्छा कोई कोर्स भी नहीं है। तो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वैसे एफडीआई के भी है। अगर एफडीआई के नेगेटिव की बात करते तो हमें घंटों बातें कम लगेगी, और पॉजिटिव भी बातें करेंगे तो हमारे पास में वक्त नहीं मिलेगा, बिकॉज हर कोई कंट्री जो आज विकसित हुई है उसके पीछे एफडीआई का बहुत बड़ा हाथ। में विदेशी पूंजी के आने का सबसे बड़ा फायदा किसानों और आम खरीदारों को होगा।
Because of supply side constraint, the farmer doesn't get proper pricing, nor does the consumer get this good production at an affordable price. So this anomaly could not. ये कौन है हमारी? ये वाणिज्य मंत्री है, कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु भी है, अभी पिलाल कौन है दोनों में से मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, अभी सुरेश प्रभु भी यही काम करते हैं. Have been restored otherwise, good production of perishable goods in one end, but not reaching the consumer. So this kind of opening up on food, which was a part of the budget announcement, is only going to help us in getting over that. स्टोरेज और सप्लाई चेन की कमी की वजह से देश में कृषि उत्पाद का करीब 30% बर्बाद हो जाता है. अगर विदेशी निवेश के बदौलत इस बर्बादी पर लगाम लगाया गया तो किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर कीमत मिल सकेगा. ओके नाउ मैं बस आपको एक लिमिट बताने वाला हूं, जिस लिमिट से हमें समझ में आएगा कि भारत में कौन से क्षेत्र में कितना परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट भारत के बाहर के लोग कर सकते हैं. ये रही लिमिट्स आपके सामने. अगर आपके भारत के अलग अलग सेक्टर्स की बात करें तो भारत के बाहर वाला बंदा कौन सी चीजें भारत में कितने प्रतिशत तक कर सकती है, उसमें सबसे पहला एग्रीकल्चर 100% कर सकती है, प्लांटेशन 100% कर सकती है, माइनिंग 100%, पेट्रोलियम 49% तक ही कर सकती है. मतलब कोई भी बाहर का बंदा आके यहाँ पे 100% अपना पेट्रोल पंप या ऐसा भारत पेट्रोल पंप या आपने कभी इंडियन ऑयल सुना होगा ऐसा पूरा काम नहीं कर सकता, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी की बात है. अगर सोचिए इनके हाथ में अगर ये चीजें आ जाएगी और इन्होंने उत्पात मचा दिया ना तो भारत में रोज दंगल हो जाएंगे. यहाँ पे मोदी जी सरकार को भी 10 पैसे अगर पेट्रोल में बढ़ाने का ना 10 बार सोचना पड़ता है कि बढ़ाओ कि नहीं बढ़ाओ. बराबर चल रहा है, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटी की बात है. आगे आना होगा दोस्तों, देखते यहाँ पे बहुत सारी चीजें जिनका अलग अलग लिमिट लगा कर ब्रॉडकास्टिंग में 49%, प्रिंट मीडिया में 26% की बात कर दी इन्होंने. अब इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है इसमें हमें जाना नहीं कि ऐसा क्यों. आप ये सवाल मुझसे मत पूछना कि 100% क्यों और 26 क्यों और 49 क्यों है, ना ये हमें मालूम ना आपको मालूम. इसके पीछे जरूर कुछ खास मकसद होगा उस समय जिसके कारण ये हुआ है. अगर आप बोलेंगे मोदी जी सरकार ने क्या किया, मोदी जी सरकार ने लिबरलाइजेशन किया जिसकी वजह से अब कोई भी भारत के बाहर के व्यक्ति को अगर इंडिया में अगर पैसे लगाना है तो उसको ज्यादा कंप्लायंसेस और फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं रही है. एक दिन में भी वो भारत में आके अपना पैसे लगा के धंधा खोल सकता है. हम चाहते हैं कि लोग आए हैं, बहुत सारा पैसा लगाए, बहुत सारा रोजगार हो, बहुत सारी फैसिलिटीज आए और हम आम आदमी को इंडिया ऐसा लगे कि स्मार्ट सिटी हो चुका है. स्मार्ट सिटी का और एफडीआई का क्या कोई कनेक्शन है? हाँ जी है ना. स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर. स्मार्ट सिटी के लिए चाहिए अच्छी अच्छी दुकानें, अच्छे अच्छे मॉल चाहिए, आने जाने के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन रास्ते चाहिए. सोचो हम लोग जब फॉरेनर्स को बोलेंगे तुम इंडिया में आओ तो हम ये भी बोलेंगे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आओ. इंडिया में बिजनेस करना है फेसबुक और गूगल तो तुम्हें हमारे रेलवे स्टेशन पे वाईफाई फोकर देना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम भी किसी से कम नहीं है. हम कहेंगे तुम्हें इंडिया में माल चाहिए ना, तो माल चाहिए तो हमारे लिए कुछ करो, कुछ CSR भी उपलब्ध हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, बहुत सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध हो जाएगी. आप देख सकते हैं यहां पे टेलीकॉम सेक्टर, जैसे कि वोडाफोन 100% इंडिया में चल रहा था, उसके बाद में ई कॉमर्स एक्टिविटी अब 100% हो चुकी है. आप इसीलिए तो अमेजोन अपनी सारी चीजें यहां पर इंडिया में बेचता है. आप सभी देख सकते हो यहां पर कुछ देर पहले हमने इंश्योरेंस की भी बात की थी, 49% इंश्योरेंस. आपने बिरला सनलाइफ का एग्जाम्पल समझना है. सारी चीजों को देखते हुए आपको यह समझ में आ रहा होगा एफडीआई आखिर कॉन्सेप्ट है क्या. अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूं, आपको यहां पे एक चीज जो है वो समझने लायक है. मुझे एक वीडियो आपको दिखाना बहुत जरूरी है. I
And of course, the big talking point today is going to be Flipkart's big billion-dollar deal, and that is now official. Walmart is going to acquire a 77% stake in India's largest online retailer for a whopping $15 billion. This deal values Flipkart at $21 billion. क्या आपको नहीं लगता इस तरह का इन्वेस्टमेंट ये सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने की वजह से हुआ है? क्या फ्लिपकार्ट इंडियन है? हां जी इंडियन है. क्या वॉलमार्ट इंडिया के बाहर का है? हां जी बाहर का है. क्या उसको इंडिया के धंधे में पैसे लगाने के लिए अलाउ किया? हां कर दिया. कितना परसेंटेज? 77% तक का, मतलब 100 करोड़ रुपए लगाया था इसने शायद से. 100 करोड़ का डील होता था कुछ तो 1 लाख करोड़, कुछ तो 1 लाख करोड़ आई गेस इट्स, हाँ ऐसा कुछ 1,16 करोड़ का, इतना कुछ तो बड़ा डील था. इट वॉज अ वेरी बिग डील. यहाँ पे लिखा $16 billion, तो ये बिलियन में लिखा है, डॉलर्स में लिखा हुआ है, पर इंडिया के देखेंगे तो INR में इट वॉज मोर देन 1 लाख करोड़ का डील. तो दोस्तों इतने पैसे का डील है इनको भारत के धंधे में आने के लिए. अब सोचो इतने बड़े लोग अगर अपना पैसा लगाएंगे तो इंडिया का उद्धार करेंगे तो उसके धंधे का भी उद्धार होगा, और इंडिया में जितने लोग बर्बाद होंगे साथ में वॉलमार्ट प्रोपोर्शनेटली उतना बर्बाद होगा. इसलिए अब वॉलमार्ट की नैतिक जिम्मेदारी हो जाएगी कि भारत को आगे ले जाए, बिकॉज ही हैज बिकम वन ऑफ दी part of India. I hope you are understanding now. Okay. The investment includes $2 billion of new equity funding as well. Walmart and Flipkart, meantime, are also in discussions with regards to additional potential investors who may join the round. Chandra Srikant gets us the key highlights of the deal. Chandra? Flipkart's Big Billion Day is here. To just take you through all the key announcements, Flipkart is going to stay an independent entity in terms of branding, in terms of operations. Walmart has also kept the window open for an IPO in the future. Importantly, eBay, which got into Flipkart last year through Flipkart's acquisition of eBay India and also an investment from eBay, will sell its holdings in Flipkart and launch yet another entity in India. Now, as far as the other pieces are concerned, like we've reported earlier, Sachin Bansal exits, Vinny Bansal stays on. And if you look at, you know, okay, I hope you are understanding what it is. आओ दोस्तों हम मिलाएंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ में. आओ दोस्तों स्वागत करेंगे मोदी जी का. Most of India's foreign direct investment inflows are not helping Modi's Make in India. आइए आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी. टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट है, हमने प्रकृति के साथ जीना है, एनर्जी सेविंग हमारी स्वाभाविक व्यवस्था हो. अब आपको समझेगा कि 2019 में वापस से क्यों मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए. क्या इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा नॉलेज क्या कोई और मिनिस्टर के पास में? जरा जब उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको समझ जाएगा, इकोनॉमी की बहुत अच्छी समझ हमारे माननीय नरेंद्र भाई को है, मोदी जी को है. जरा नॉलेज देखिए उनका क्या मानना है कि स्मार्ट सिटी कैसे यूं बन जाएंगी इंडिया में, कैसे हो सकता है स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट सिटी. आखिर भारत के लोगों को यही समझना था कि 100 स्मार्ट सिटी, जिसमें पुणे भी एक वन ऑफ द सिटी है जिसमें स्मार्ट सिटी का काम ऑलरेडी चालू हो चुका है ना. जहां तक मेट्रो चालू हो चुकी है, आपने FC रोड को देखा होगा, वहां के रोड्स का भी काम चालू हो चुका है. इसका मतलब है कि मोदी जी सही दिशा में जा रहे हैं. आखिर ये पैसा आएगा कहां से? चीज चेक इट आउट. वर्क टू वर्क ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा, वरना एक जगह पर रहता है और रोज 1.5 घंटा वो ट्रैवलिंग करता है, फिर नौकरी पे जाता है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी ट्रैवलिंग में जाती है, बची खुची काम में लगती है, तो काम कैसा होगा? अगर उसकी एनर्जी सेविंग होती है, वर्क टू वर्क का कंसेप्ट डेवलप धीरे धीरे हमारे यहां होता है और एक कंपोजिट व्यवस्था विकसित होती है कि जहां सब कुछ अवेलेबल हो, साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए, हमने इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करना ही होगा. और जब ये डेवलप करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर भी कई छोटे छोटे शहर बन जाए. जैसे पुणे में हो रहे, हिंजेवाड़ी अपने आप में शहर है, पिंपरी चिंचूड़ अपने आप में हो गया, मगरपट्टा अपने आप में हो गया, तो ये उस तरह की बात करे तो हम उस दिशा में दौड़ रहे हैं. भारत को आगे ले जाना है तो आपको नहीं लगता कि आज पुणे शहर में IBM जैसी बहुत बड़ी कंपनी आई हुई? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. दे आर रनिंग देयर ओन सेंटर्स इन इंडिया. पर आज तक वैसे ये IBM इंडिया में आया, ये बहुत सालों से आया हुआ है, पर आज तक इसकी चिल्ला पुकार क्यों नहीं हुई? बिकॉज इससे आम जनता और किराना शॉप को फर्क नहीं पड़ रहा था.
जब से ये अपना चालू हुआ ना, ये वॉलमार्ट आएगा रिटेल में, तब से लोग बौखला गए और तब से इसके ऊपर बहुत बम्बार्डिंग चालू हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम दुकानदार बोलने लगे, हम लूट गए। वैसे एफडीआई कई सालों से इंडिया में जारी है और वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कंसल्टेशन पहले कभी नहीं हुआ होगा, इतना कंसल्टेशन इस योजनाओं को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया। सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स को इसमें जोड़ा गया, उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है, उनकी समस्याओं को समझा गया है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल वर्ल्ड को भी, उनको भी विश्वास में लिया, बताइए भी कैसे आप आगे आ सकते। जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं उनको भी पूछा गया कि बताइए भाई कैसे आगे बढ़ सकते। जो कानूनविद हैं कि जिसके कारण कानूनी समस्याएं ना आए, उनसे पूछा गया है। दुनिया में जो अच्छा हुआ है, जिन्होंने अच्छा किया है, उनको भी साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में जिन जिन की पहचान है दुनिया में, उन सब की सलाह ली गई है और एक सबसे विचार विमर्श करके एक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अथक प्रयत्न करके अपने शहर के जीवन में बदलाव लाएं, वहां के सामान्य से सामान्य नागरिक के जीवन में बदलाव लाएं, इस शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप मुझे बताओ, व्हाट इज द कनेक्शन विद दिस ड्रीम स्मार्ट सिटी एंड एफडीआई। मुझे बताओ एफडीआई का जो कनेक्शन स्मार्ट सिटी के साथ में ऐसा है कि एफडीआई से भारत में आएगा बहुत सारा पैसा, बहुत सारे पैसों के साथ साथ में आएगा बहुत सारा रोजगार। सोचिए आज भारत में, फॉरगेट अबाउट भारत, थिंक अबाउट पुणे, आज कम से कम 2 लाख से ज्यादा कम से कम रोजगार आज पुणे शहर में है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एफडीआई, इजंट इट? एमडॉक्स कहां से है भाई? इंडिया के बाहर से है। आईबीएम कहां से है? इंडिया के बाहर से है। कॉग्निजेंट कहां से है? इंडिया के बाहर से है। इतनी तमाम कंपनियां जो भारत की है नहीं, दे आर एबल टू रन देयर बिजनेस इन इंडिया ओनली बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट एफडीआई, एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू गेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन पुणे। इसलिए पुणे बन चुका है इंडिया का नंबर 3 का आईटी हब। अब सोचने की बात है, क्या एफडीआई इंडिया में होना चाहिए? इसलिए इस चैप्टर में कई बार आपसे सवाल पूछेंगे, एफडीआई के फायदे क्या और एफडीआई के नुकसान क्या। इसलिए आपको ये सारी चर्चाओं को समझना बहुत जरूरी है। आपको एक प्रैक्टिकल लुकआउट एक बार समझ गया ना, इस चैप्टर में अब और कुछ बचा नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा फिर आपको चैप्टर ऐसे उंगलियों पे बस अच्छा ये है, नाउ यू नो व्हाट इट इज। ओके, नाउ लेट्स डू इट गाइस। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल, आखिर भारत के बाहर के लोग भारत में पैसा कैसा ला सकते हैं। नंबर 1 क्या लिखा है यहां पे, आपको ABCD पढ़ना होगा। सबसे पहले ए आया लिखे, उसमें लिखा फॉरेन एड, दिख रहा है क्या आपको? उसके बाद में आपको दिख रहा होगा बी में बोरोइंग्स, और सी में लिख रहा है डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एंड चौथे नंबर पर लिखा है इन्वेस्टमेंट, और उसी इन्वेस्टमेंट को इस चैप्टर में गहराई में पढ़ाया गया है। दोस्तों 4.44 पेज नंबर जो आपके सामने है, वहां पे अंडरलाइन कर दो FPI एंड FDI। फिर आप कहेंगे सर इन चारों तरीकों से जो पैसे लाए जा रहे हैं इंडिया में, उनमें से इस चैप्टर में कौन से विषय पर ज्यादा चर्चा की है? दोस्तों ICAI ने इन चारों में से पॉइंट नंबर D के ऊपर इन डेप्थ में हमें एनालिसिस करवा के दिया गया है। अब पहले हम लोग डी पॉइंट पढ़ने से पहले यह जान ले कि भारत में ABCD द्वारा कितना इन्वेस्टमेंट आया हुआ है, मतलब भारत में लोग कहां कहां से पैसे लाके देते हैं। सबसे पहली बात तो फॉरेन एड, एड मतलब क्या होगी, मदद के माध्यम से भी। आप सभी लोगों ने वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, आप सभी लोगों ने वर्ल्ड बैंक को कभी भी देखो, अगर भारत में अगर जहां तक कि केरला की बात करेंगे या फिर कोई भी ऐसा बड़ा अगर नेचुरल कलामिटी होता है तो वहां पे वर्ल्ड बैंक सामने आके उसको कुछ हद तक डोनेट करती है। ऐसे कई और कंट्रीज भी, जैसे USA की बात करेंगे, 100 करोड़ दे दिए, 500 करोड़ दे दिए, $1 बिलियन दे दिए। इस तरह से लोग मदद करते हैं देश विदेश में, जो जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज है स्पेशली, वो मदद करने के लिए आगे आ जाती है। जैसे आपने नेपाल में देखा था, तो जब नेपाल में कुछ गलत हुआ तो भारत ने खुद, भारत बन गया था तब डोनर, और उन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया था नेपाल जैसे कंट्री को। भाई और बहनों आपको ये समझना होगा, ये पहला पॉइंट ही किसी की मजबूरी नहीं है, ये वॉलंटरीली लोग दे रहे हैं, भाई ले लो,
यहाँ पे नाम ही लिखा फॉरेन एड, असिस्टेंस, मदद की भावना। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, माल लगाओ, ये कोई पैसा आने की भावनाओं से दिया पैसा नहीं है, ये भाई दोस्ती यारी मोहब्बत में पैसा दिया जा रहा है। कल चल के लाहौर में कुछ हुआ तो हम लोग सबसे पहले आगे आएंगे, सही है, बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे वो सबसे बड़े नेबर है, और हमारे भारत में भी कुछ हो तो वो भी करेंगे। आओ बच्चों देखेंगे, बायलेटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स, तो गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती है, उसके बाद में मल्टीलेटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट्स हु पुल फंड्स टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक व्हाट वर्ल्ड बैंक, समझ गए क्या? बहुत सारे लोग क्या करते हैं वर्ल्ड बैंक में ऐसी चीजों के लिए पैसा देते हैं, फिर वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कौन से कंट्री में जहां पे गलत काम हो रहे हैं। देखो हर साल में दो चार कंट्री के ऊपर तो नौबत आती है, तो वहां से पैसा फंडिंग हो जाता है। तीसरी बात, टाइड एड विच स्ट्रिक्ट मैंडेट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ मनी, समझा कि ये जब पॉइंट नंबर तीन वाला पैसा है ना, ये भी लोग डोनेट करते हैं, पर वो बोलते हैं हमारा पैसा इन्हीं काम में यूज होना चाहिए, नहीं समझा? दो में क्या कर दिया, वर्ल्ड बैंक को दे दे, वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर लेंगे जिसको देना दे दे। तीसरे में क्या बोल रहे हैं वो, अगर मान लो यूएसए तीन नंबर में अगर इंडिया को पैसे दे रहा और उनको लगता सिर्फ कैंसर के हॉस्पिटल इंडिया में बनना चाहिए, तो वो लिख के देंगे भाई ये पैसा है 100 करोड़, इससे सिर्फ कैंसर के हॉस्पिटल बनना चाहिए। अगर रशिया पैसे दे रहा तो बोलेंगे देखो हमारे पैसों से सिर्फ भारत के रोड बनना चाहिए गांव में। तो ये कोई पैसा जो चाहे इसके अंदर के लिखे रोमन 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट है, इसमें से कोई भी वापस रिटर्न उनको देना नहीं है, ये उन्होंने की हुई मदद है। सिर्फ मदद के अलग अलग तरीके, आपको इतना डेप्थ में जाके पढ़ने जैसी, आप ये सोचो ये जो है ना हेडिंग पढ़ो क्या लिखा, फॉरेन एड एंड असिस्टेंस, अंदर की चार बातें आप सिर्फ समझ के लो, याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट, समझा क्या? फॉरेन ग्रांट्स विच आर वॉलंटरली ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज और क्या लिखा है ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये चौथी बात क्या है, एक तो गवर्नमेंट दे रही है या फिर वहां की कोई, जैसे अकेला बिल गेट्स ही बोल रहा है दे लो भाई, ऊपर वाले तीनों में कंट्री दे रही थी, चौथे में जरूरी नहीं कि कंट्री दे, नहीं समझे? देखो लिखा ना इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब चौथे में आम आदमी, मान लो कि इसकी बात कर लो जेफ बेजोस की बात कर लो, इतना पैसा पड़ा हुआ है, ले लो $2 बिलियन दे दिया इंडिया को, ए पूना में ले लो शुक्रवार पेट में लगा दो सर, या फिर $2 बिलियन आईसीए को दे दी, सही है नहीं? तो इस तरह की चीजों का फंडिंग वहां के आम कंपनी वाले भी, अमेजोन भी दे सकता है, अमेजोन बोलेंगे मैंने बहुत पैसा इंडिया में कमाया आज तक, ले लो चलो मेरी तरफ से इंडिया में ले लो, मोदी जी को दे दिया उन्होंने चेक, मोदी जी डिसाइड करेंगे कहां पे डालना है। तो ये जो है ना ये वाला पॉइंट खत्म हो गया, जहां पे हमें मिल रहा है अनुदान, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुदान, इसमें कोई इसको इन्वेस्टमेंट वर्ड मत बोलना, क्या बोलना इसको, अनुदान है, जस्ट एड, इट इज जस्ट एन असिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2 क्या, बोरिंग, ये है हमने मांग के लिया, अब ए और बी का फर्क समझ गया, ये तो हमने उधारी पे लिया, ये इसको वापस चुकाना है, ये तो पर अब की बार उधारी जो ली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से नहीं ली है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा भारत सरकार ने अब की बार पैसा लिया वर्ल्ड बैंक से या दूसरे कंट्रीज के बैंक से, ये डेट डेट जो उसको वापस लौटाने की जरूरत है, समझ गया? डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, इंटर गवर्नमेंट समझता है, वी हैव बोरोड लोन फ्रॉम यूएसए, नंबर 2 लोन्स फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, समझ गया, जैसे वर्ल्ड बैंक, नंबर 3 बात सॉफ्ट लोन, और चौथी बात क्या, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, कमर्शियल बोरिंग समझता है, जैसे रिलायंस ने पैसे ले लिया माइक्रोसॉफ्ट से, फर्क क्या पड़ता है आपको? ए और बी में देखो, ए में अनुदान मिला, बी में अनुदान नहीं है, हमने मांग के लिया वापस चुकाना है इंटरेस्ट के साथ में। तीसरी बात, डिपॉजिट्स फ्रॉम द नॉन एनआरआई समझता है क्या, एनआरआई क्या करते हैं लोग, एनआरआई को इंडिया में, इंडिया बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग लक्ष्मी मित्तल की बात करते हैं, ये एनआरआई है, कभी सुना है लक्ष्मी मित्तल का नाम, कौन है ये लक्ष्मी मित्तल, लिस्ट ऑफ रिच, क्या हुआ, हाँ फूट गया, फिर अभी मतलब इतना पानी आया क्या, इधर तो इतना पानी नहीं होगा, आज उसमें पुल के ऊपर आ गया क्या पानी, फिर तुम किसे आएंगे, वाह ये पढ़ने का हुनर होना चाहिए बच्चों में। आपके सामने इस समय जो है एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन, आप इनमें से कुछ लोगों को जानते होंगे,
बताओ इनमें से कुछ लोग है आपके पहचान के? जानते हो इनको? तो ये है पलोंजी मिस्त्री। कहां है ये? कौन है ये बंदा? ये वही है एसपी, क्या नाम उसका? नहीं नहीं पलोंजी एस कुछ तो नाम है इनका, साइरस नहीं, ठीक है शपूर जी। हिंदुजा ब्रदर्स, नाम तो सुना ही होगा, द ओनर ऑफ स्टील इंडस्ट्री। ऐसे लोग भी भारत को पैसा दे सकते हैं, यहां से भी पैसा आता है, इन्होंने इतना पैसा कमा लिया उधर। ये तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी जो स्टील की इनकी है, आर्सलर मित्तल, तो इनके पास में बहुत पैसा है, तो ये भी ही इंडिया को पैसा दे सकते हैं, बहुत पैसा है इनके पास में। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चौथा पॉइंट जो आ रहा है, जो हमारा मेन मुद्दा है, उसका नाम है FPI एंड FDI। पर इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, हम आपको FDI FPI के ऊपर ही चैप्टर है, तब ये मत पूछना सर FPI FDI का है, FDI थोड़ा सा मैंने समझा था, FPI भी पूरा समझाऊंगा, और पूरा चैप्टर अंतिम होने तक सिर्फ सारे पेजेस क्या है FDI FPI। तो ऊपर तीनों वाले के बारे में एक बार बता दो, एक अनुदान मिला जिसको हम एड असिस्टेंस बोलेंगे, नंबर दूसरी बात हमने बोरो किया, तीसरी बात हमारे NRI ने पैसे दिया, और चौथी बात FPI FDI जो एक्चुअल में लोगों ने इन्वेस्टमेंट की ताकि उनको इंडिया से पैसा वापस मिले, वो कोई इंटरेस्ट में नहीं दिया, समझ गया, वो क्या भी दिया, इन्वेस्ट किया उन्होंने इंडिया में। अब ध्यान से देखिए इस समय इंडिया के ऊपर कितना डेट है, अब मैं आपको गूगल पे ले जाऊंगा और आप देखिए डेट, डेट बोरिंग बोरिंग ऑफ इंडियाज करंट डेट, डेट 2018, क्या लगता है आपको कितना डेट होगा? अपने को इंडिया को देना है, लोगों को देना है कि लोगों से लेना है? आपको क्या लगता है भारत को देख के? और ये USD मिलियन में लिखा हुआ है, इतना पैसा हमें भारत के बाहर वापस लौटाने की जरूरत है। कितने पैसे आ रहे हैं यहाँ पे? 520,000 USD मिलियन डॉलर्स, USD मिलियन, तो 520,000 मिलियन डॉलर्स, इतना पैसा हमें देना है, लेना है कि देना है? लेना होता तो हम लोग इतने गरीब नहीं होते आज, हम तो मस्ती में होते आज। ध्यान से देखिए, इतना सारा डेट हमारे पास में है, इंडिया को इतना सारा पैसा आज यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं आप USD मिलियन इन द फोर्थ क्वार्टर 2017। अब एक देखते हैं सोर्स, क्या है ये? वाह, और ये क्यों बढ़ रहा है मालूम है? इंटरेस्ट भारी चीज है, बड़े मजा है देख के इंटरेस्ट पेमेंट, क्या मजा है, कैलसी है क्या मजा है क्या? देखो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, GDP ऑफ इंडिया इतना है, डेट एज पर परसेंटेज ऑफ GDP, इंटरेस्ट पेमेंट पर सेकंड कितना देते हैं हम लोग, देखो एक सेकंड में 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट होता है अपने ऊपर। और मैंने जिस सोर्सेस से मैंने मालूम किया था, भारत जितना पैसा कमाता है 13% पैसा उसका इंटरेस्ट में जाता है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब 100 रुपए कमाए इंडिया ने, मान लो इंडिया एक घर है, 13 रुपए उसके किस में आते हैं? इंटरेस्ट चुकाने में आते, इंटरेस्ट पेड पर ईयर। अब लगा लो, छोड़ो नहीं होगा आपसे, नहीं होगा आपसे, छोड़ो नहीं, आपने बाहर हो, इतना पेमेंट इंडिया कर लेती है। अब देखिए क्या करेंगे, आज इंडिया के ऊपर कितना कर्जा हो चुका है, और इंडिया को
हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेल गवर्नमेंट, इसके कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं. बहुत अच्छा डेटा आपके सामने इस समय आया हुआ है जिसको देख के आपको काफी कुछ नॉलेज हो गया होगा. नेशनल डेट पर सिटीजन, मतलब एक आदमी के ऊपर अपना कितना कर्ज है. अगर हर एक आदमी आज सोच ले कि इंडिया कर्ज से मुक्ति होना चाहिए तो हर एक आदमी को अपने घर में से 56,000 रुपए देना पड़ेगा. तो तुम लोग 56,000 कर लेके आ जाना, हम सब लोग पूरे भारत के लोग कंट्रीब्यूट करेंगे. हर एक आदमी अगर 56,000 रुपए कंट्रीब्यूट कर देगा तो भारत हो जाएगा डेट फ्री. मतलब इतना पैसा देने के लिए हमें 4-5 तो मुकेश अंबानी लगेंगे. हाँ जी, 4-5 मुकेश अंबानी जब लगेंगे तब जाके इंडिया डेट फ्री हो जाएगा. तो इस समय इंडिया के ऊपर पॉइंट नंबर 2 से आया हुआ पैसा बहुत ज्यादा है, पर हम लोग इस चैप्टर में पॉइंट नंबर 2 के ऊपर फोकस नहीं करना, पॉइंट 4 पे करें. हमें ये ऐसा नहीं बनना है. बता, इस चैप्टर के ऊपर फोकस किसके, पॉइंट नंबर 2-1 पे. हमें ना किसी का अनुदान चाहिए, ना किसी का इंटरेस्ट पे चाहिए, ना हमें किसी का बॉरोइंग चाहिए अपने एनआरआई से. हमें चाहिए लोगों का पैसा इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई एंड एफपीआई. आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस. या ओके, बहुत बड़ा खुलासा इस समय हुआ है. ओके, और आपको ये मैंने क्यों दिखाया, ये जो आया ना, अब आपको ये समझ में आएगा कि इनमें से भी एनआरआई डिपॉजिट्स कितने, जो पॉइंट नंबर 3 है, समझ में आ रहा है. और उसमें से वर्ल्ड बैंक ने कितना दिया हुआ है, ट्रेड क्रेडिट कितना है, अपने ऊपर रूपी रेट कितना है, शॉर्ट टर्म कितना है, मल्टीलेटरल कितना है. अभी जो भी उन्होंने पढ़ा था ना मल्टीलेटरल, वो असिस्टेंस पढ़ा था हमने अभी, तो असिस्टेंस ही इतना आया हुआ है. वो चारों पॉइंट थे ना पहले 1-3, तो ये 1-3 में का डिवीजन लिखा है उन्होंने. समझा तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमें इन फिगर्स को याद नहीं करना है, तो सिर्फ मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ कि जो किताबों में लिखा है वो सही लिख रहे हैं कि इंडिया में बाहर से पैसा आता है. सही है? अरे भाई आप मुझे बताओ, अगर बजट में डेफिशिट है तो कहीं ना कहीं तो किसके पास, तो हाथ देखो, ऐसा नहीं खाना पीना बंद कर देंगे. मुझे बताओ, जेटली जी ने बजट बनाया, बजट बन गए एक लाख बीस हजार करोड़ का, और अपना इनकम है 1,00,000 करोड़ का. अब 20,000 करोड़ कम गिर रहे तो क्या होगा? डेट. ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि ये पीएमटी के ड्राइवर्स का पैसा नहीं देंगे इस साल बिकॉज डेफिसिट में चल रहा है. ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि गवर्नमेंट सर्वेंट को इस साल सैलरी नहीं देंगे बिकॉज डेफिसिट. जो खर्चा लगना है वो तो लगना ही है, जो रोड्स की मरम्मत करना हो तो करना ही है, जो फ्लाईओवर्स को अच्छा करना हो तो करना ही. इसीलिए जब पैसा घटता है तो पैसा कहां से था? डेट. अगर आपको ये डेट नहीं चाहिए तो एफडीआई एफपीआई करना पड़ेगा. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो आई होप यू आर ऑन द राइट ट्रैक ऑफ दिस चैप्टर. आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा. अब दोस्तों एफडीआई के बारे में तो आप जान चुके हैं, मैं एफडीआई के बारे में आपको 3 चीजें बताऊंगा कि लोग भारत में अपना पैसा लगाते कैसे हैं. ओके, मैं उससे भी पहले आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको देखने में बड़ा मजा आएगा. लिस्ट ऑफ टॉप एफडीआईज इन इंडिया. आपको इन अमेरिकन कंपनीज को देखना है कि आखिर कौन से टॉप कंपनीज इन इंडिया, आपको देखना होगा. देखो बहुत बड़ा खुलासा है आपके सामने इस वक्त कि भाई कौन सी कंपनी ने इंडिया में एफडीआई के सहारे से इंडिया में पैसा लगाया हुआ है. अब इनमें से कई सारी कंपनियों को आप जानते होंगे. इन सारे कंपनियों ने एफडीआई की वजह से इंडिया में बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है. कोई जानते हो? इंटेल, जी, फोर्ड जानते हो? अरे सब जानते हो भाई, सारी एमवे जानते होंगे आप. यस, कोडैक, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सिको, ओरेकल, पिज़्ज़ा हट, वर्लपूल, ज़ेरॉक्स, ये तो सिर्फ हमारी अमेरिकन कंपनीज की बात है. अब न जाने वर्ल्ड के न जाने किस किस कंपनियों ने, अगर सोचिए आज इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, इंडिया में पिज्जा हट नहीं होता, तो भारत में रोजगार उपलब्ध होता क्या? इसीलिए मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है कि एफडीआई बढ़ेगा जितना एफडीआई होगा. देखो दो तरीके होते हैं. एक तो हमारे लोगों ने, जितने भी हमारे जो टॉप उद्योगपति है, उन्होंने इतने बिजनेस इंडिया में खोलना चाहिए कि रोजगार उपलब्ध हो जाए. अब हमारे उद्योगपति में अगर इतना दम नहीं है या फिर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो क्या बुराई है अगर हम भारत के बाहर के लोगों को बोल रहे कि तुम आके बिजनेस चालू करो? अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इंडिया में तो पैसा आएगा ना, इंडिया में रोजगार उपलब्ध होगा, प्रॉब्लम क्या है? ओके, आगे दोस्तों, भारत के अंदर लोगों को अगर पैसा लगाना है, उसके 3 तरीके जो हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी पढ़े थे. नंबर 1, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? हम अपने जैसी कोई तो एक कंपनी खोल देंगे. जैसे
जैसे जैसे वॉलमार्ट वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट दोनों का भी धंधा एक जैसा। चलो ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा, दूसरी बात करेंगे। हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे धंधे जैसा है, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, बराबर है। जैसे एग्जाम्पल वोडाफोन हच, हच कहाँ का था? इंडिया का। वोडाफोन बाहर का, उन्होंने आके हच को लिया, क्या हुआ? एक जैसा हो गया। मतलब अब की बार का इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ? एक जैसा। समझ में आ रहा है? बिरला सन लाइफ। अगर इसमें से जो भी एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा रहेगा, कोई भी ऐसे ऐसे धंधे में आएंगे जो हमारे धंधे जैसा होगा, हॉरिजॉन्टल। अब दूसरा क्या है? वर्टिकल। ये हमारे धंधे जैसा नहीं, इसमें तो ऐसा लिखा है, वर्टिकल में दो, एक बैकवर्ड एक फॉरवर्ड होता है। इफ यू रिमेंबर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हम ऐसे धंधे से जुड़ेंगे, एक तो हमारे वो रॉ मटेरियल जैसा होगा या तो फिर हमारे सप्लाई में डिलीवरी जैसा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल, हम इंडिया में आएंगे और ऐसे धंधे में पैसे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं कंपनी हूं मर्सिडीज, और मैं इंडिया में कोई तो ऐसी कंपनी जो टायर बनाती है उसमें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो बैकवर्ड। ये अपना वर्टिकल है पर बैकवर्ड वाला है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब अब की बार हमने क्या किया हुआ है, हमने ऐसे धंधे में एफडीआई किया जो मेरे लिए रॉ मटेरियल बन सकता है। इज इट ओके? जैसे लेवाइस कंपनी की बात करेंगे, लेवाइस कंपनी को बहुत सारा कॉटन और कपड़ा लगता है, रॉ मटेरियल लगता है जो भारत में मिलता है। अगर वो इंडिया में आके बोलो क्या कर दे, यहां पे जिनिंग प्रेसिंग खोल दे, कॉटन इंडस्ट्री खोल दे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? बैकवर्ड इंटीग्रेशन बोलेंगे। तो इसको वर्टिकल में पर बैकवर्ड माना जाएगा। पर कोई बात नहीं, बैकवर्ड फॉरवर्ड से मतलब नहीं है, आपको याद रखना है वर्टिकल का मतलब क्या। अब वर्टिकल में दूसरा भी होता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होता है? हम ऐसे वाले से टाइप करते हैं जो हमारा काम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा इंडिया में। समझ में आ रहा है? जो हमारा क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, जो हमारा माल कस्टमर तक पहुंचाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स की बात कर लेते हैं। मैकडोनल्ड्स अपने आप में खुद की चीज है, पर वो भारत के लोगों को बोलता है एक काम करो, तुम हमारा माल लोगों तक पहुंचाओ ताकि लोगों के खाने में आसानी हो। ऐसी कोई चीज जो जिसकी वजह से आपका माल इंडिया के घर घर में सप्लाई हो रहा है, एग्जाम्पल स्टारबक्स। कैसे स्टारबक्स? स्टारबक्स ने टाइप कर लिया है, बोलो ना किसमें? टाटा के साथ में। अरे टाटा, टाटा स्टारबक्स साथ में है ना। ये कौन सा एफडीआई है? टाटा का नेटवर्क यूज किया ताकि इनकी कॉफी अब इंडिया के बहुत सारे जगह में जा सके, इसलिए वो स्टारबक्स में लिखा होता है टाटा एंटरप्राइज। कोई बात नहीं है, इतना ही समझ लो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एक ही फर्क है। हॉरिजॉन्टल में क्या है? सेम टू सेम, मतलब मैं भी उस धंधे में, तू भी उस धंधे में, हम साथ में आके काम करेंगे, एफडीआई, बराबर है। जैसे एग्जाम्पल तेरी टेलीकॉम मेरी टेलीकॉम साथ में आके करेंगे, बिरला सन लाइफ। आप एक बिरला सन लाइफ लिख दो, बिरला इंश्योरेंस है, सन लाइफ इंश्योरेंस है, दोनों ने साथ में काम कर, दैट इज व्हाट। और वर्टिकल में, वर्टिकल में कोई भी ऐसा एक, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरगेट अबाउट दैट, पर हम लोग तो रॉ मटेरियल वाले से टाइप करेंगे। हमें ऐसे धंधे में आएंगे जो हमारा रॉ मटेरियल सप्लायर है, या ऐसे धंधे में आएंगे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। जैसे एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट ई कार्ट। ओके, ई कार्ट इंडियन कंपनी है बाहर की है? पता नहीं, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूंगा इसकी, जो कौन सी बात कर रहा है, मैं वर्टिकल की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूंगा लेवाइस कंपनी ने अगर इंडिया के अंदर कॉटन इंडस्ट्रीज खोल दी, तो क्या बोलेंगे? उन्होंने किस में इन्वेस्टमेंट किया? बैकवर्ड में। आपको मैं इस बात को सूचित करना चाहूंगा, आपको लगता होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब इंडिया के धंधे में पैसे लगाना, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो खुद का बिजनेस भी इंडिया में चालू कर सके। आप लोगों को कहीं कंफ्यूजन इस बात का तो नहीं है? इन्वेस्टमेंट मतलब उन्होंने इंडिया के धंधे में आके जो बना बनाया बिजनेस उसके अंदर पैसे घुसेड़ना जरूरी नहीं है। वो आके इंडिया के अंदर खुद की कंपनी एस्टेब्लिश कर सकते, वो भी तो इंडिया में। कैसे भी पैसा इंडिया में आना चाहिए, चाहे वो इंडिया का एग्जिस्टिंग बिजनेस में आए या न्यू बिजनेस में आए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मतलब हो सकता है फ्लिपकार्ट जैसा भी हो,
या हो सकता है वॉलमार्ट अपने खुद के स्टोर खोल दे, या हो सकता है वो फ्लिपकार्ट के अंदर पैसे लगा दे, है तो दोनों भी एफडीआई। तीसरी बात कॉन्ग्लोमेरेंट, ये बहुत सिंपल है। कॉन्ग्लोमेरेंट मतलब आपने पढ़ा होगा, हम अब की बार ऐसे धंधे में पैसे लगाएंगे जो हमारे धंधे से रिलेट नहीं करता, अनरिलेटेड बिजनेस। जैसे ऐसे धंधे के साथ में पैसे लगा दिए हैं जिस धंधे में हमारा कोई भी बोलो क्या नहीं है। मतलब बिल गेट्स ने स्वप्निल पटनी क्लासेस के अंदर पैसे लगा दिए। बिल गेट्स कौन से इसमें? टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स। मेरा क्या है? एजुकेशन। कोई कनेक्शन है? नहीं। उन्होंने लगा दिए पैसे, बोले चलो अपना पहचान का बंदा दे दो उसको, अनरिलेटेड काम कर रहा है वो। तो आपकी बार इन्वेस्टमेंट कैसा हुआ? कॉन्ग्लोमेरेट। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? नहीं जी, एक बात बात कर लो और मेरे से बात करो। जैसे कि जेफ बेजोस ने रिलायंस पेट्रोलियम में स्टेक खरीद लिए। अब जेफ बेजोस का काम क्या है? अमेजॉन ऑनलाइन, रिलायंस पेट्रोलियम, कोई कनेक्शन है इसमें? ये रिश्ता कुछ भी कनेक्शन नहीं है। फिर आपकी बार क्या हुआ? कॉन्ग्लोमेरेट। तो यहां पे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लीज माइंड इट। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे कैसे सवाल पूछ सकती है। FDI may be categorized as a horizontal, vertical and conglomerate. I hope you are understanding this. चलो बताओ, हमने हमारी जैसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया horizontal, हमने ऐसे धंधे में इन्वेस्ट किया जो हमारे एक तो रॉ मटेरियल सप्लायर है या हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है vertical, एक तो ऐसे बंदे के ऐसा हमने इन्वेस्टमेंट किया जिसके साथ में हमारा कोई भी हमारे बिजनेस का उसके बिजनेस से कोई भी कनेक्शन नहीं, उसको क्या नाम है? कॉन्ग्लोमेरेट। अब आएंगे एफपीआई के ऊपर। देवी और सज्जनों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफपीआई एंड एफडीआई। इसका नाम है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें याद रखिए जो मैं कह रहा हूं, सबसे एक बार ध्यान से सुनना। एफपीआई का मतलब होता है बाहर के कंपनी ने, मतलब इंडिया के बाहर वालों ने इंडिया की किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या डिबेंचर खरीद लिए, उसके सिक्योरिटी में पैसे लगा दिए, तो कहेंगे फॉरेन वालों ने इंडिया का एफपीआई किया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सुन के लो जो मैं कह रहा हूं। कल्चर के वॉलमार्ट ने रिलायंस के 1000 शेयर लिए, 1,00,000 करोड़ के शेयर्स लिए, शेयर्स या फिर उधारी पे पैसे दिए। किसको? डेट दिया, डेट डिबेंचर वापस ले लिए। इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मुझे एक बात सुनना, एक बार वापस से सुन लेना, मैं कह रहा हूं सुन लेना ध्यान से। अगर वॉलमार्ट ने इंडिया में बिजनेस चालू किया, ये एफपीआई नहीं होगा, उसका खुद का बिजनेस चालू कर रहा है, उसकी खुद के आइडिया पे काम कर रहा है। ये किसी बिजनेस वालों को बोला कि हे फ्लिपकार्ट, अब तू हट जा बाजू में, मैं तेरा बिजनेस संभालूंगा। वो सिर्फ शेयर्स नहीं ले रहा है, उसका बिजनेस अब उसके हाथ में है। अब फ्लिपकार्ट का काम नहीं कर रहा है, फ्लिपकार्ट का सारा काम कौन कर रहा है? वॉलमार्ट कर रहा है। वॉलमार्ट के लोग अब फ्लिपकार्ट को चला रहे हैं। फ्लिपकार्ट का हर डिसीजन कौन ले रहा है? क्योंकि 76% किसका है? तो समझ गए आप ये कौन सा है? वो एफडीआई है। पर मान लीजिए 1,00,000 शेयर्स अगर वॉलमार्ट ने रिलायंस के लिए हो गए भाई और बहना, तो कल भी मुकेश जी ही फैसला ले रहे थे और आज भी मुकेश जी ले रहे, बिकॉज वो एफपीआई है। कहां पे फॉरेनर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं? एफडीआई। कहां पे पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं? एफपीआई। कहां पे वो फाइनेंशियल असेट्स में ही पैसा लगाते हैं, सिर्फ पैसा देके भाग गए, क्या बोलेंगे? एफपीआई। बिल गेट्स ने बोला ए स्वप्निल पटनी, ये ले 1,00,000, ये ले 1 करोड़, चला तेरा धंधा, मुझे मतलब नहीं, 1 साल बाद 1,05,00,000 वापस लूंगा। 1 करोड़ दिए, 1,05,00,000 तेरा बिजनेस जाए भाड़ में, मुझे मतलब नहीं। एफपीआई। धंधा नंबर टू, बोले ऐसा नहीं स्वप्निल पटनी, मैं तेरे धंधे के अंदर इन्वॉल्व हो रहा हूं। अब ये जो बिजनेस है एसपीसी, वो एसपीसी नहीं होगा, स्वप्निल पटनी गेट्स हो जाएगा और उस धंधे के डिसीजन मैं भी लूंगा और बिल गेट्स दोनों भी साथ में लेंगे। तो आपकी बार क्या कहेंगे आप? एफडीआई कहेंगे। कहां पे उनका ओनरशिप और कंट्रोल भी रहेगा?
एफडीआई में, और कहां पे कंट्रोल नहीं रहेगा मुझे बता, वॉलमार्ट ने अगर 2 लाख शेयर्स ले लिए तो क्या रिलायंस पे कंट्रोल करने लगेगा वो? नहीं। कहां पे शॉर्ट टर्म, कहां पे लॉन्ग टर्म, कोई सोच के बताएगा मुझे? वॉलमार्ट ने जो फ्लिपकार्ट में लगा एक दो दिन में भाग जाएगा, ये लॉन्ग टर्म प्लान है? लॉन्ग टर्म। और वॉलमार्ट कल्चर के अपने खुद के बिग बाजार जैसे स्टोर इंडिया में खोल रहा है, ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है? लॉन्ग टर्म है, बिकॉज वो एफडीआई हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। पर किसी कंपनी में अगर वॉलमार्ट ने शेयर्स लिए और बेच देना है तो वो एक दिन में बेच सकता है, एनएससी बीएससी पे ऐसा क्लिक पे बेच सकता है। तो विच वन इज शॉर्ट टर्म और विच वन इज अ लॉन्ग टर्म? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। या गाइस, अब मैं आपको सीधा लेके जाऊंगा इसके डिफरेंस की ओर। ये रहा आपके सामने, जस्ट चेक इट आउट। अब मैं आपको एक वर्टिकल फॉर्म में दोनों का डिफरेंस बता दूंगा, आपको एक जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में आपके सामने एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई एफपीआई भी ऐसा भी हो सकता है। ध्यान से देखना अभी, ओके? अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब स्क्रीन पे देखना ध्यान से क्या लिखा है। मैं FPI से शुरुआत करता हूँ, ओके? FDI implies the investment by foreign investor directly in the productive assets of another nation. समझ गया? मतलब कल्चर के वॉलमार्ट अगर इंडिया में खुल गया ऐसे बिग बाजार जैसे, तो खुद बेचारा माल खरीदेगा, खुद पैकिंग करेगा, खुद बिल बनाएगा, खुद सेल करेगा, खुद आफ्टर सेल सर्विस देगा, तो आप क्या कहेंगे? FDI। समझ गए? आगे इसलिए लिखा है प्रोडक्टिव असेट्स। FPI मीन्स अ फाइनेंशियल असेट्स, इन्वेस्टिंग इन किसमें? फाइनेंशियल असेट्स सच एज स्टॉक्स, स्टॉक मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स of entities located in another country, समझ गए? इंडिया से बॉन्ड्स लेंगे या इंडिया के शेयर्स खरीद लेंगे। FDI FPI similar in the some respect but very different in another. As retail investors increasingly invest overseas, they should be clearly aware कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जाम्पल दिया जा रहा है यहां पे, क्या लिखा है एक बार ध्यान से देखना। Imagine that you are a multi-millionaire based in the USA. Are looking for next investment opportunity. You are trying to decide between acquiring company that makes industrial machinery and buying a large stake in the company that makes the such machinery. The former is an example of FDI, while the latter is example of what? समझ गया मैं क्या बोला? क्या बोला समझा? क्या बोला बताओ? पहला कौन सा है कि ये बोल रहा है कि acquiring company that makes industrial machinery, पूरी की पूरी कंपनी acquire करो, हम खुद चलाओ, खुद चलाओ, खुद बाकी रॉ मटेरियल खुद खरीदो, बनाओ खुद, बेचो खुद, दैट इज व्हाट एफडीआई। और दूसरे में क्या लिखा है? लार्ज स्टेक ले लो, मतलब उसमें कि कुछ शेयर्स खरीद लो, 10%, 5%, 20% ऐसा खरीद लो बस, पर उसके मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं रहोगे। यहां पे देखना क्या लिखा है। ऑल्दो एफडीआई इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू लार्ज प्लेयर्स हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट डायरेक्टली ओवरसीज, the average investor is quite likely to be involved in FPI. समझ गए क्या? अगर मेरे जैसा आम आदमी अगर थोड़ा सा भी पैसा लगाना, मैं FPI वाला बन सकता हूँ, पर FDI के लिए आपके इसमें बहुत पैसा होना जरूरी है, नहीं समझे? मतलब कोई भारत का एक आदमी, भारत के बाहर वाला आदमी 100 शेयर्स लेके भी रिलायंस का FPI बन सकता है?
पर एफडीआई के लिए आपके इसमें बहुत सारा पैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए. नोइंगली एवरी टाइम यू बाय फॉरेन स्टॉक बॉन्ड्स इधर डायरेक्टली और थ्रू एडीआर म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यू आर एंगेज इन व्हाट. समझा क्या? अगर मान लीजिए मैं भी अगरकल्चर के कोई फॉरेन कंपनी के म्यूचुअल फंड बाय कर सकता हूँ, बाय करता हूँ अगर, बोलो ना, तो क्या किया मैंने? एफपीआई कर दिया. पर एफडीआई बनने के लिए मुझे, अगर मान लीजिए मैं, अगर एफडीआई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एफपीआई तो क्या आप 100 रुपए में भी एफपीआई बन सकते हो, उसका एक शेयर भी ले लिया. मान लो एग्जांपल कोई इंडिया के बाहर वाले ने अगर रिलायंस का एक शेयर भी ले लिया तो एफपीआई बन सकता है. कौन सी चीज जल्दी बेची जा सकती है और कहां पे नहीं हो सकता, कहां पे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, कहां पे यू आर इन्वॉल्व इन द ओनरशिप कंट्रोल, कहां पे यू आर इन्वॉल्व ओनली इन द फाइनेंशियल असेट्स, एफपीआई. इसी के साथ में खत्म हो गया, राइट? यहां पे देखना होगा. The first difference arises in the degree of control exercised. कहां पे control आपका उस company पे हो जाता है? FDI पे. FDI investor typically take controlling position. समझ गए होंगे आप? FPI investor on the other hand are generally passive investors. समझा क्या? पैसे लगा दिए, बाकी सब Reliance काम करेगा, अपने थोड़ा बहुत पैसे दे दिए, लगा दिए, बाकी सारा काम मुकेश अंबानी संभालेंगे. पर अगर किसकी बात करूंगा, अगर मैं वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट की बात करूं तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके भाग नहीं गया, ये एक्चुअली अब फ्लिपकार्ट के सारे डिसीजन वहां के लोग बैठ के इधर इंडिया में ले रहे होंगे, बराबर है? कंट्रोलिंग उनके डायरेक्टर्स यहां पे आ गए होंगे. आगे द सेकंड डिफरेंस इज दैट एफडीआई इन्वेस्टर्स परफॉर्म हैव टू टेक अ लॉन्ग टर्म अप्रोच टू देयर इन्वेस्टमेंट. समझा कौन सा लॉन्ग टर्म? एफडीआई. और कौन सा शॉर्ट टर्म? एफपीआई. समझ गए होंगे आप? आई थिंक the difference is very much clear. Yeah, can I proceed? Okay, तो यहां से हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है. यहां पे difference आपके book में directly दिया हुआ है, कि हम लोग कुछ underline कर सकते हैं. FDI में underline करो physical assets, मतलब वो production बनाने वाली चीजें करेंगे, और यहां पे लिखा है financial assets, मतलब उनके shares वगैरह कुछ खरीदेंगे. यहां पे underline करो long term, यहां पे underline करना होगा short term. यहाँ पे पैसे एक बार बिल्डिंग बना दी, अगर वॉलमार्ट ने सब कुछ इंडिया में बना दिया तो उसको डिफिकल्ट टू विड्रॉ है. कौन सा इजी टू विड्रॉ है? एफपीआई, बिकॉज यहाँ पे शेयर मार्केट में जाके बेचना ही है. नॉट इंक्लाइंड टू बी स्पेकुलेटिव, कहाँ पे हम लोग सिर्फ तुक्के पे काम कर रहे हैं, मतलब हम लोग बढ़ जाएंगे ना रेट एफपीआई में, यहाँ पे हम लोग एक्चुअल में बिजनेस है, यहाँ पे स्पेकुलेटिव नहीं, हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं. ऑफन अकंपनीड बाय, क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर. समझ गया? नॉन अकंपनीड, कहां पे टेक्नोलॉजी आपकी खुद की हो सकती है? एफडीआई में आप खुद आ रहे हो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर चलाने के लिए. डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस. समझ गए? कौन सी बात कर रहे हो? नहीं सुना ना आपने, अगर वॉलमार्ट अगर खुद के अपने स्टोर्स चालू करे तो इंडिया में लेबर्स बढ़ेंगे, पर अगर मतलब वॉलमार्ट ने जो एग्जिस्टिंग रिलायंस का बिजनेस है उसमें पैसे लगाए तो उसका इतना इंपैक्ट लेबर पे नहीं होगा. अगर मान लो वॉलमार्ट ने 2000 शेयर ले लिए किसके, रिलायंस के, तो रिलायंस का लेबर उतना होगा, पर वॉलमार्ट ने कल चुके अपने खुद के स्टोर चालू किया तो कहां पे लेबर ज्यादा होगा? एफडीआई में. एंड्यूरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट, कहां पे कंट्रोल और मैनेजमेंट हो जाएगा उनका? एफडीआई में. और कहां पे नहीं होगा? एफपीआई में नहीं होगा, बाकी तो ठीक है. अब बात करेंगे दोस्तों रीजन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. आपको एक सवाल में पूछूंगा कि आखिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है. अभी देखो ये चैप्टर में जो मेन चीज थी ना वो आपको समझ में आ गई है, कंसेप्ट्स. ओके, अब मैं पढ़ूंगा ना, दर्द नहीं होगा आपको, पता है अभी क्या होगा, क्यों कर रहे हैं. अब देखो ना सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, रीजंस फॉर एफडीआई. इसके बाद में क्या लिखा है, देखो कितना लिखा हुआ है एफडीआई के रीजंस के लिए. मोड्स ऑफ एफडीआई, समझ गए एफडीआई से क्या क्या फायदे होंगे, आखिर एफडीआई के पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या क्या है ना, तो एफडीआई के फायदे क्या है, एफडीआई के नुकसान क्या है, और आखिरी के दो क्वेश्चन हमें करने की जरूरत नहीं है. आप ही सवाल पूछ लो, क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, आखिर इंडिया में कितना एफडीआई है, ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं जाएगा. और लास्ट में क्या लिखा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन कंपनीज, क्या इंडिया के लोगों ने भी क्या इंडिया के बाहर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है. इस दोनों सवाल के ऊपर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा सवाल पूछने की चांसेस बहुत कम है. तो हमारा जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, एफबीआई के फायदे, एफबीआई के प्रॉब्लम्स क्या है, और एफबीआई आखिर क्यों किया जाता है. ये तीन क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करेंगे, आखिरी वाले दो क्वेश्चंस पर फोकस करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज क्या पूछा, अभी फिलहाल एफडीआई कैसा चल रहा है इंडिया में, तो क्या बोलेंगे उसमें क्या चल रहा है. हाँ जी, बराबर है, कुछ उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है.
इंडिया से कितने लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया है, उसके बारे में भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग जाएंगे आखिर एफडीआई से इंडिया में क्या क्या हो रहा है। एक बार ये सवाल पूछेंगे, बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, कैन वी स्टार्ट दिस? क्या हम लोग पढ़ सकते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से इंडिया में क्या क्या फायदे हुए? पहली बात, एंट्री ऑफ फॉरेन एंटरप्राइजेस यूजुअली फोस्टर्स कॉम्पिटिशन। क्या आपको ये कॉम्पिटिशन वर्ड समझ में आ रहा है? वॉलमार्ट अगर इंडिया में आ जाएगा, आपको लगता नहीं अच्छे अच्छों की लग जाएगी? बिग बाजार, डिमांड जैसे और जितने भी चिल्लर किराना शॉप से, क्या सभी को कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली हमारे आम जनता, जो गरीब जनता है, जो कस्टमर है, उनका फायदा होगा या नहीं होगा? तो अंडरलाइन द वर्ड कॉम्पिटिशन जनरेट्स कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज ओवर गाइस, वी आर मूविंग ऑन। उसी के अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, कॉस्ट सेविंग, उसके अंदर दिख रहा है हायर एफिशिएंसी, क्वालिटी। मुझे बताओ झक मार के, अभी हर आदमी जो इंडिया में काम कर रहा है उसको ये रहेगा कि मैंने और अच्छे से काम करना चाहिए, मुझे अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहिए, मुझे एफिशिएंटली काम करना चाहिए? ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर टू, इंटरनेशनल कैपिटल अलाउज कंट्री टू फाइनेंस मोर इन्वेस्टमेंट देन कैन बी सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक सेविंग। क्या आपको लग रहा नहीं ऐसा हो जाएगा? क्या भारत में ज्यादा कैपिटल आएगा कि नहीं आएगा? मतलब भारत की कैपेसिटी से ज्यादा पैसा आएगा, बिकॉज भारत में जो पैसा आना था ऑलरेडी लग चुका था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से भारत में बहुत ज्यादा कैपिटल आएगा। द प्रोविजन ऑफ इंक्रीज्ड कैपिटल टू वर्क विद लेबर एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द होस्ट कंट्री कैन एनहांस द टोटल। होस्ट मतलब कौन? इंडिया बन गया होस्ट कंट्री। नहीं समझे? नहीं, मुझे कुछ बोलना है। इंडिया बन गया होस्ट मतलब क्या? जो लोगों को न्योता देता है, न्योता, न्योता समझता है, बुलावा, आओ आओ इंडिया में, आओ इंडिया में आके बिजनेस करो। मैं आपको एक चीज दिखाने जाऊंगा, आपको मजा आएगा सुन के। अभी तो होने वाली है, भारत से आईफोन किसका है? ये किसका है क्या इसमें? एक मिनट देख लेता हूँ मैं फिर। वाइब्रेंट, एक मिनट देखता हूँ, अगर नहीं आया तो। वाइब्रेंट गुजरात मोदी सीईओ, अब ध्यान से देखना क्या हुआ। अब ये देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा है इस समय। His Excellency, the President of Kenya, His Excellency, the ये उन दिनों की बात है जब मोदी जी चुनाव में जीते थे, और उसके बाद में ठीक उन्होंने भारत के नहीं, वर्ल्ड के 500 जो क्या बोलते हैं उसे, फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज थी उनके सारे सीईओ को आओ इंडिया में आके बिजनेस करो, इसके लिए ये मीटिंग को बुलाया गया था। और वहां पे बन गई थी भारत एक होस्ट कंपनी। कौन सी कंपनी? होस्ट कंट्री। आइए देखो क्या बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट रवांडा, आई वेलकम यू ऑल टू द वाइब्रेंट गुजरात समिट। आई ऑल्सो विश यू अ वेरी हैप्पी प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। आई फॉन्डली रिकॉल
the modest launch of this event in 2003. तो ये जो है, ये जो इस समय दिख रहे, इस समय भारत क्या बन जाएगा? एक होस्ट कंट्री बन जाएगा. होस्ट कंट्री मतलब हम लोग सबको बोला, ये 500 लोग जो आए हुए लीडर्स, यहाँ पे जो जितने भी लोग आए हुए, इनको मोदी जी ने बोला आओ इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करो. मतलब हम बन गए होस्ट. अब आओ, ये होस्ट आपको समझ में आ गया ऐसे क्या बोल रहे. इंटरनेशनल कैपिटल अलाउस कंट्री टू फाइनेंस मोर, हो गया. द प्रोविजन ऑफ इनक्रीज कैपिटल टू वर्क विद लेबर एंड अदर रिसोर्सेज अवेलेबल इन द होस्ट कंट्री कैन एनहांस द टोटल आउटपुट. बताओ भाई, भारत का आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो भारत का आउटपुट बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज भारत में सब लोग आके प्रोडक्शन करेंगे, तो भारत में आउटपुट ज्यादा बढ़ेगा, तो भारत का जीडीपी बढ़ेगा. पॉइंट नंबर तीसरी बात, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज एफडीआई कैन एक्सेलरेट ग्रोथ एंड फोस्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग द मच नीडेड कैपिटल टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मैनेजमेंट स्किल. मतलब सारे लोग सिर्फ इंडिया में आएंगे तो सिर्फ इंडिया में टाइम पास करने आएंगे, बहुत सारा टेक्नोलॉजी, बहुत सारा दिमाग, बहुत सारा स्किल, बहुत सारे प्रोडक्शन इंडिया में होंगे. तो सोचने वाली बात है, इतनी सारी चीज अगर इंडिया में होगी तो इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, और भारत की इकोनॉमी कब बढ़ती है, भारत का जीडीपी कब बढ़ता है, जब भारत में उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में क्या ज्यादा होना चाहिए, प्रोडक्शन और सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज. कंप्लीशन फॉर एफडीआई अमंग द नेशनल गवर्नमेंट्स ऑल्सो हैज हेल्प टू प्रमोट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग लीगल सिस्टम्स. एंड आपको सबसे बड़ी बात है, जब एफडीआई हो जाती है तो हम सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हमारे संबंध भारत के बाहर के कंट्रीज के साथ में अच्छे हो सकते हैं. अभी आपने जो समिट देखा है, जो वाइब्रेंट गुजरात का देखा है, वाइब्रेंट गुजरात तभी हो सकता है, या गुजरात के लोग या इंडिया के लोगों के संबंध तभी बाहर वालों के साथ में अच्छे हो सकते हैं, जब भारत वालों को, भारत के बाहर वालों को हमने चांस दिया कि तुम भारत में आओ, हम तुम्हें क्या देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छे अच्छे क्या देंगे, फैसिलिटीज देंगे, हम तुम्हें कम टैक्सेस लगाएंगे. तो इसलिए भारत के बाहर वालों को अंडरलाइन करो, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. इसलिए तो मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग, इसीलिए तो भारत के बाहर के जेफ बेजोस जैसे लोग, भारत के बाहर के जितने बिल गेट्स जैसे लोग अपनी कंपनियों को इंडिया में खोलते हैं, बिकॉज उनको इंडिया में एफडीआई करने का मौका मिल रहा है. आगे, कॉम्पिटिशन फॉर एफडीआई अमंग द नेशनल गवर्नमेंट ऑल्सो हैज हेल्प टू प्रमोट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. ये हो गया. एक बात मैं पूछूं आपसे, ये कॉम्पिटिशन फॉर एफडीआई अमंग द नेशनल गवर्नमेंट्स, ये कौन से गवर्नमेंट में हो रहे, आपको लगता नहीं है? मतलब अब ये जो पॉइंट डी को हम लोग इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि एफडीआई के लिए इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया जैसे कहीं कंट्री में कॉम्पिटिशन हो रही है कि कौन सबसे ज्यादा एफडीआई लेकर आएगा. नहीं समझे आप? जो सबसे ज्यादा अच्छी सुविधाएं देगा वहां पे एफडीआई ज्यादा आएगी. तो ये भी अच्छी बात है कि कंपटीशन उसमें भी बढ़ रहा है. नंबर ई में क्या लिखा है, सिंस एफडीआई इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ अ प्रोडक्शन बेस इट जनरेट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. क्या आपको इस बात से एक्सेप्टेंस है कि वो क्या बोल रहा है, ज्यादा कंपनी आएगी, ज्यादा कंपनी आएगी, ज्यादा रोजगार आएगा, और अल्टीमेटली भारत का जो बेरोजगार आदमी है उसको ज्यादा एम्प्लॉय, जैसे कि पूना में कहीं लाखों इंजीनियर्स को जॉब मिली, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ एफडीआई. अगर इतनी सारी कंपनियां, सोचो इंडिया में एफडीआई नहीं होता तो अपनी कंपनियां, अपनी आईटी कंपनियां चाइना में खोलते और इंडिया के सारे इंजीनियर्स हो जाते बेरोजगार. आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ये आपके सामने. एफडीआई नॉट ओनली क्रिएट्स अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बट ऑल्सो थ्रू बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंग्वेज generates indirect employment opportunities. This impact is a particularly important if the recipient country is a developing country. आपको एक सवाल में पूछूंगा, आपको लगता नहीं है वॉलमार्ट जब इंडिया में आएगा तो सिर्फ वॉलमार्ट के दुकान पर जो लोग बढ़ रहे वही एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉलमार्ट को गुड्स ला के देते हैं, उनका वहां भी तो एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, वॉलमार्ट बेचता है ब्रेड. अब तो जो वॉलमार्ट जब ब्रेड बेचेगा तो जो ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री वहां भी 10-20 लोग तो एम्प्लॉयज होंगे, तो वो लोग ने भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है. तो इस तरह से एक कंपनी आती है, फॉर एग्जाम्पल पूना में कोई मैन्युफैक्चरिंग चलता है, कोई इंडिया के फोक्सवैगन का मैन्युफैक्चरिंग आज पूना में चलता है, तो अब सोचो उस मैन्युफैक्चरिंग की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे जो लोग हैं, जो एंसिलरी कंपनीज होती है, जो कार बनाने के लिए छोटे छोटे आइटम्स बनाती है, तो कितना रोजगार उपलब्ध हुआ. सिर्फ फोक्सवैगन का रोजगार मत देखिए, फोक्सवैगन को सप्लाई करने वाली जो हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज है,
उनके ब्याज भी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। आगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो प्रमोट रिलेटिवली हायर वेजेस फॉर द स्किल्ड जॉब्स। आपको समझ ही गया होगा मैं क्या बोल रहा हूं। अगर हमारे इंडिया में अगर टैलेंटेड एम्प्लॉयज है तो उस टैलेंटेड एम्प्लॉयज को वो जितना डिजर्व करता है उतनी सैलरी मिलेगी बिकॉज अब उसकी टैलेंट की कदर होगी। आगे बढ़ेंगे। फॉरेन कॉर्पोरेशंस प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स अनलाइक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI generates intel people to people relation is usually considered as a promoter of a bilateral and international relations. वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिखा था foreign corporations provide better access to foreign market. Greater openness to foreign capital leads to higher national dependence on international investors, making the cost discords higher. आपको समझना होगा सबसे पहले वाली लाइन में बहुत अच्छा सा खुलासा किया उन्होंने, अंडरलाइन कर दीजिए। फॉरेन कॉर्पोरेशन प्रोवाइड बेटर एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स। आपको जवाब देना है कैसे बोल रहा है। अगर हमारे कंट्री में भारत के बाहर के लोग आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे लिए भी फॉरेन मार्केट खुला हो जाएगा। अगर हम उनको बोल रहे हैं कि आ जाओ इंडिया में तो इसका यह मतलब तो वाइस वर्सा भी तो होता है। क्या हम लोग के लिए भी फॉरेन मार्केट ओपन हो जाएगा? क्या हम इंडिया के लोग भी फॉरेन मार्केट में जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ जी। आगे बढ़ेंगे। देयर इज ऑल्सो ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ एंसिलरी यूनिट्स रिजल्टिंग इन जॉब क्रिएशन एंड द स्किल्ड। इसके ऊपर मैंने पहले ही बोला था, अगर मान लीजिए इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से कुछ कार कंपनीज इंडिया में चालू हो रही है तो सिर्फ कार कंपनी ही नहीं चालू होती पर कार कंपनी को लगने वाले बहुत सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत सारे और जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सप्लाई करने वाले कंपनीज में भी बहुत सारा रोजगार उपलब्ध होता है। जैसे कोई कार कंपनी आती है तो साथ साथ में टायर की कंपनी भी आती है, एसी वाली भी आती है, ऑडियो सिस्टम की भी आती है, सीट कवर वाली आती है, तो बहुत सारे ऐसे रोजगार भी उपलब्ध हो जाते हैं। तो सही है। आगे अब लिखा क्या है, फॉरेन एंटरप्राइज प्रोसेसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन विद देयर ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मार्केटिंग आर यूनिक इन पोजिशन to utilize this strength to promote the exports of developing countries. If the foreign capital produces goods with the export potential, the host country is in the position to secure scarce. समझा क्या? अगर मान लीजिए इंडिया में आए और इंडिया में बहुत अच्छा सा उन्होंने माल बनाया और इंडिया से एक्सपोर्ट किया तो इंडिया को ही तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, तो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज जो डेफिसिट हो रहा था वो बढ़ने लगे, सरप्लस में आएगा। If the host country मतलब इंडिया, जहां पे वो host country मतलब वो होती है जो न्योता देता है लोगों को कि हमारे कंट्री में आके बिजनेस करो, तो इस समय मोदी जी में चाइना जैसे कंट्रीज में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा FDI लेकर आता है। If the host country is in the position to implement effective tax measures, the foreign investment projects also would act as a source of new tax revenue. क्या आपको लगता नहीं ऐसा भी हो सकता है? मतलब जितने लोग FDI के द्वारा इंडिया में अपना बिजनेस चालू करेंगे तो वो लोग बहुत सारा टैक्सेस भी तो भारत सरकार को देंगे ताकि भारत सरकार इन टैक्स का उपयोग करेगी भारत के उद्धार के लिए, भारत के डेवलपमेंट्स के लिए। मतलब कुल मिलाकर देखेंगे तो FDI से बहुत सारा फायदा हुआ। आप कुछ चार पांच फायदे बता सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, भारत को टैक्स मिला, फॉरेन मार्केट ओपन हो गए, बहुत सारी एंसिलरी कंपनीज खुली, एंसिलरी कंपनीज में भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया, भारत के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा, भारत का एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगा और भारत के अंदर आपस में कंपटीशन बहुत बढ़ने लगी और गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करना जरूरी हो गया बिकॉज आपस में बहुत सारे कंट्रीज का भी कंपटीशन हो गया। तो इस तरह से FDI में आपको कुल मिलाकर देखेंगे तो हमारा GDP बढ़ने में बहुत मदद होगी बिकॉज FDI की वजह से बहुत सारे फॉरेनर्स कंपनी जाएंगी, फॉरेन कंपनी जाएगी और इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी, सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और अल्टीमेटली भारत का GDP बहुत ऊपर जा सकता है। तो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं पोटेंशियल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद FDI। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जो लोकल जो दुकानदार है उनकी हो जाएगी प्रॉब्लम। हमारे आपको ये चीज समझाने के लिए मैं एक वीडियो आपको बताना चाहूंगा, देखते हैं कैसे होगा क्या होगा। यहाँ पे एक व्यू है, व्यू में एक्सटर्नल अगर होम है तो एक चीज है, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर हमारी बेहद ही खास पेशकश, मैं हूं स्वाति रायना। सरकार ने बजट से पहले और GST के बाद बड़ा रिफॉर्म किया है। सरकार ने इकोनॉमी को FDI का बूस्टर दिया है।
कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में भी सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को हरी झंडी दे दी। साथ ही कंस्ट्रक्शन और पावर सेक्टर में भी विदेशी निवेश के लिए नियम आसान कर दिए हैं। सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को आसान करने के लिए विदेशी एयरलाइंस को 49% सबसे बड़ा खुलासा इस समय भारत की जो एयर इंडिया कंपनी है उसके अंदर भी अब उसके आप सभी जानते हो भारत की जो एयर इंडिया कंपनी वो 48,000 करोड़ के लॉसेस में चल रही है, मतलब बहुत ज्यादा घाटे में है। और इस घाटे से उभरने के लिए उसको अब भारत सरकार की नहीं किसी फॉरेन कंपनी की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं कि कोई फॉरेन कंपनी आ जाए तो हम 49% तक उसको एयर इंडिया में आने देंगे ताकि वो उसके दिमाग से अगर एयर इंडिया को चलाएगा तो हो सकता है ये भी है कि भारत की ये लॉस भुगतने वाली कंपनी एक दिन फायदे वाली हो सकती है। निवेश की मंजूरी दे दी है, विदेशी एयरलाइंस को निवेश के लिए सरकार की मंजूरी हालांकि लेनी होगी। और सरकार के इस फैसले का क्या होगा असर इकोनॉमी पर, एफडीआई नियमों में ढील देने का क्या होगा इम्पैक्ट, क्या इस फैसले से ग्रोथ को मिलेगी रफ्तार, इन्हीं सब पर हम आज एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जीएसटी के बाद सरकार का बड़ा रिफॉर्म, बजट से पहले एफडीआई का बूस्टर, विदेशी निवेश से मिलेगी ग्रोथ को रफ्तार। मोदी सरकार रिफॉर्म्स के एजेंडे पर पीछे नहीं हटना चाहती है। इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार बड़े फैसले लेने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। कैबिनेट ने रिटेल सेक्टर को लेकर बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। सिंगल ब्रांड समझ गया अभी? एक एक स्टोर, मतलब फिनिक्स मॉल में जब जाके देखते हैं ना हम लोग, तो चाहे तो सारे खुद के शॉप खोल सकते हैं। वैसे खुद के होते नहीं, वो लोग क्या करते हैं ब्रांचेस खोलते हैं, इंडिया खोलते हैं तुम चलाओ, पर वो चाहते तो खुद इंडिया में जगह लेके खुद उनके बंदे लाके या इंडिया के बंदों को लेके चला सकते हैं। आज इंडिया वालों के साथ में वो पार्टनरशिप करके करते हैं। ये निवेश ऑटोमेटिक रूट के जरिए होगा। इससे पहले एफडीआई के तहत निवेश करने पर एफआईपीबी से मंजूरी लेनी पड़ती थी। विदेशी रिटेलर्स भारत में निवेश करने के लिए और प्रेरित हों इसके लिए सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत 30% लोकल सोर्स। 5 साल तक भी अगर तुमने लोकल सोर्सिंग से नहीं लिया माल तो चलेगा। पहले ऐसा था कि तुमको 30% तक, अगर 100% तुम रॉ मटेरियल ले रहे हो तो जग मार के 30% भारत वालों से खरीदो। ये मतलब समझ आ रहा है, जरूरी था तो ताकि भारत के जो लघु उद्योग है उनको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। के लिए 5 साल का वक्त देगी, पहले ये 3 साल था। साथ ही अभी जितना भी ग्लोबल सोर्सिंग के लिए प्रोक्योरमेंट होता है उसमें जितनी बढ़ोतरी होगी उसे ही सिर्फ 30% में शामिल किया जाएगा। देखिए लोकल सोर्सिंग के जो 30% रिक्वायरमेंट है वे किसी भी सिंगल ब्रांड रिटेलर के लिए है हमेशा के लिए, यह मंजूरी दे दी है। लेकिन विदेशी एयरलाइंस सरकार से मंजूरी के बाद ही एयर इंडिया में निवेश कर पाएंगी। माना जा रहा है कि इससे एयर इंडिया में विनिवेश करने में आसानी होगी। एफडीआई फैसिलिटेट्स फास्ट। कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश प्रभु, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है? सुरेश प्रभु डेवलपमेंट कैबिनेट मिनिस्टर। कौन सा मिनिस्टर? कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एफडीआई डिनोट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर्स इनटू इंडियन इकोनॉमी। FDI brings technology, FDI brings in necessary investments. The savings of India are rising. Along with that, if we get more FDI, obviously that will facilitate speedier development. So we reviewed the roadblocks and we have decided to allow certain sectors in which we'll get... Certain sectors, tell us which sector is allowed in FDI. So we are saying that this will be a lot of money in India. और जिसके से हमारा बहुत फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट्स। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई बढ़ने से इसका असर क्या होगा यह भी जानना जरूरी है। विदेशी कंपनियां अब भारत में किसी भी कंपनी को आसानी से खरीद सकती हैं। साथ ही विस्तार करने के लिए उन्हें सरकार से मंजूरी नहीं लेनी होगी, जैसे कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को ले लिया आसानी से। लिहाजा ऐसे में नए प्लांट भी लगेंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई का विरोध भी शुरू हो गया है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स कॉन्फेडरेशन यानी CAIT ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि ऐसा करके बीजेपी ने अपना चुनावी वादा तोड़ा है, क्योंकि इससे बाहर की बड़ी कंपनियां भारत के मार्केट पर कब्जा कर लेंगी।
जीएसटी के बाद सरकार ने कई सेक्टर में एफडीआई नियम आसान करने के बाद अपनी मंशा साफ कर दी है। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटेगी। बजट में भी ग्रोथ को रफ्तार देने के लिए सरकार कुछ बड़े फैसले लेकर ऐसे ही चौंका सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये कह सकते हैं कि एफडीआई ब्रांड रिटेल में सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के जरिए 100% एफडीआई को हरी झंडी दी है। अब ये जो बंदा है ना सीआईटी का, अब वो क्या बोल रहा है, वही हमारे डिसएडवांटेज है। हमें पढ़ना है ना कि एफडीआई क्यों नहीं अच्छा है। वो बता रहा है एफडीआई क्यों, अभी तक आपने क्या सुना, सिर्फ एफडीआई की तारीफ सुने। अब देखो कैसी बुराई करता है। शायद सीआईटी उसे ज्यादा उतना खुश नजर नहीं आ रहा है। सर क्या रीजन है इसके पीछे? स्वाति जी आपको ये समझना जरूरी है, सभी के लिए जरूरी है कि हमारा देश एक कंजम्पशन मार्केट है। हमारे यहाँ रोजगार के अवसर मिनिमम है। जो रोजगार है वो स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। छोटे से कैपिटल में, छोटे से जगह पर हमारे करोड़ों करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। हमें हमारे लोगों को डेवलप करना जरूरी है या विदेशियों को सजा सजाया बाजार देना जरूरी है? समझे क्या बोल रहा है? ऑलरेडी हमारा मार्केट जो है, मतलब बहुत, हमारा जो इंडिया है ना वो इतना सही है ना, क्योंकि हमारे पास में 133 करोड़ जो लोग हैं वो खाने वाले बैठे हैं, तो कोई भी चीज आती है तो आसानी से बिक सकती है। तो हमारा मार्केट सजा सजाया हुआ है, तो किसी भी फॉरेनर को आके इंडिया में माल बेचना बड़ा आसान है। तो ये चीज अगर भारत वाला ही भारत को बेचे तो कितनी अच्छी बात है, ऐसा वो बोल रहे। वॉट इज इम्पोर्टेंट, अगर हमारे को लगता है कि हमारे यहाँ कोई कमी है तो हमारी कमी को आप अच्छा करिए ना। आपने कौशल विकास की बात की, अपग्रेडेशन की बात की, आप कितना पैसा डाल रहे हो। अगर विदेशियों को लाना ही सिर्फ बूस्टर टू इकोनॉमी है तो ये एक बड़े विचित्र किस्म की परिभाषा होती जा रही है कि जो काम हमने विदेशियों से करा दिया ये ग्रेटेस्ट रिफॉर्म हो गया, ये इकोनॉमी को बूस्टर हो गया। इकोनॉमी चलेगी देश के लोगों से, इकोनॉमी चलेगी जब ग्रास रूट का आदमी पैसा कमा के सेविंग करेगा। कहां से करेगा सेविंग? अभी उसकी तो कमाई के लाले पड़ जाएंगे, हर जगह ये लोग आ जाएंगे। हम लोग अगेन आर्थिक गुलामी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, कोई माने या न माने, बट 10 इयर्स डाउन द लाइन 25 इयर्स डाउन द लाइन हमारी इकोनॉमी क्या रहेगी? सरकार पहले वो व्हाइट पेपर सामने रखे ना, सिर्फ बोलना कि हमने कर दिया, ये वन साइडेड जो चल रहा है दिस इज नॉट गुड। भारती जी आपको लगता है कि एक सजा सजा बाजार हम एक्चुअली जो विदेशी कंपनियां उनके लिए यहां पर सेट कर रहे हैं? आपने अपने विचार यहां पर व्यक्त किए हैं, क्योंकि इसी के पहलू को और समझने के लिए मैं अब ओके गाइस लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं यहां पर कौन सी प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम नंबर ए पढ़ेंगे, एफडीआई इज आर लाइकली टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन and service so that they need to hire only relatively few workers. Samjha ke kya bol raha hai? Such technologies is an inappropriate for the labor abundant country as it does not support generation of job. Wo log bol rahe ki bahut sare kaam automation karenge, bahut sari technology layenge to bharat mein kya khak labor milega? Jaise ki aap jante ho Volkswagen Pune ke andar 100% automation hai, employee sirf naam ke liye le jate hai. To pehla point aapko samajh gaye, FDI ke naam pe sirf logo ko पागल बनाया जा रहा है, रोजगार कुछ उपलब्ध नहीं होगा। नंबर दूसरी बात, द इनहेरेंट टेंडेंसी ऑफ एफडीआई फ्लोज टू मूव टुवर्ड्स रीजन और स्टेट्स विच आर वेल एंडोर्ड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपने देखा गुजरात में ही वो लोग गए, वो लोग किसी नॉर्थ ईस्ट में नहीं गए, वो लोग किसी महाराष्ट्र के गरीब वाले एरिया में नहीं गए, वो ऐसे ही एरिया में गए जहां पे बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। मतलब वही लोग आगे जाएंगे या भारत का वही स्टेट आगे जाएगा, बोलो कौन सा, जहां पे वैसे लोग अमीर और मालदार बैठे हुए थे। मतलब जहां पे लोग जैसे कि कुछ ऐसे भारत में स्टेट है जहां पे नेचुरल रिसोर्स भी नहीं है, जहां पे वाकई में जिनका जीडीपी बहुत कम है, ऐसी जगह पे ये लोग, मतलब जहां पे एफडीआई की जरूरत है वहां पे एफडीआई का फायदा नहीं होगा। तीसरी बात, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब भारत, इट इज यूजुअली एलिज दैट द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल मे कॉज द डोमेस्टिक गवर्नमेंट टू स्लो डाउन इट्स एफर्ट्स टू जनरेट मोर डोमेस्टिक सेविंग स्पेशली व्हेन टैक्स मैकेनिज्म्स आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इफ द फॉरेन कॉर्पोरेशंस आर एबल टू सिक्योर इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स हॉलीडेज और सिमिलर प्रोविजंस द होस्ट कंट्री लूजेस टैक्स रेवेन्यू। समझा क्या? भारत के बाहर वालों को आमंत्रित और उनको और क्या करने के लिए
अट्रैक्ट करने के लिए भारत सरकार उन पर क्या कर सकती है, कम टैक्स का प्रेशर डाल सकती है। इसके से भारत का टैक्स का रेवेन्यू कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, फेसबुक बोलेगा मैं इतना इतना करता हूं, या माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा आप मुझे इतना टैक्स लगाएंगे तो मैं आता इंडिया में। तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने के चक्कर में जो थोड़ा बहुत टैक्स इंडिया के लोगों से मिल रहा था किराना शॉप से, वो तो मिलेगा नहीं। और जाहिर सी बात है वॉलमार्ट से तो मिलने वाला नहीं, बिकॉज वॉलमार्ट में आपने कमिट कर दिया कि हम तुझसे 5 साल तो कुछ लेंगे नहीं। ऐसा अगर ऑफर्स और स्कीम दी तो हमारा टैक्स का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चौथी बात, मैंने आपको पहले ही कहा था ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, आपको अभी कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं पढ़ना, कंसेप्ट क्लियर है। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, सिर्फ वो देख रहे कि अच्छा किस एंगल से बोल रहा है। अगर आपको FDI FPI कॉन्सेप्ट समझा नहीं, उसको रट्टा मत मारना, आपको सिर्फ दिमाग में रखना हो क्या बोल रहा है। आपने अगर एग्जामिनेशन के पहले उसको ऐसा सिर्फ रीड आउट कर लिया ना, अब जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूँ अंडरलाइन करो। जैसे इसके वाले ऊपर क्या करना था आपको अंडरलाइन, टैक्स में हमारा प्रॉब्लम होगा। बी वाले पॉइंट में क्या था कि वही स्टेट्स आगे जाएंगे जो नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं। सबसे पहले क्या होगा कि वो सब लोग क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी लाएंगे, लेबर तो कोई खाक उपलब्ध होगा नहीं। तो ऐसे वर्ड्स आपको सिर्फ दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। पॉइंट नंबर डी, ऑफन द फॉरेन फर्म्स मे पार्टली फाइनेंस देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय बोरोइंग फंड्स इन द होस्ट कंट्रीज कैपिटल मार्केट। This action can raise interest rates in the host country and help to decline the domestic investment through crowding out effect. Moreover, suppliers of the funds in developing economy would prefer foreign firms due to perceived lower risk, and such a shift of funds may divert capital away from the investment which are crucial. वो क्या बोल रहा है? कुछ ये पैसा बाहर से लाएंगे और कुछ पैसा ये भारत के बैंक से लेंगे। अब उसके से क्या फायदा, क्या नुकसान होगा? मान लीजिए यहाँ पे भारत के बाहर के लोग आके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सारा फंडिंग लेंगे, तो भारत के अपने जैसे लोग जो एक्चुअल में भारत के हैं उनको पैसा मिलेगा नहीं, और मिला पे तो ज्यादा इंटरेस्ट पे मिलेगा, तो हम लोग क्राउडिंग आउट हो जाएंगे। मतलब हमारा तो इंडिया के लोग तो पता नहीं दिखेंगे भी नहीं, तो हमारा इंडिया का इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम द ईजिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ अ पेमेंट सिचुएशन माइट रिमेन अनरियलाइज्ड। समझा क्या लिखा? The expected benefit from the easing of the balance of the payment situation might remain unrealized or narrowed down due to the likely instability in the balance of payment and the exchange rate. Samjha kya bol raha hai? Underline the word. The expected benefits from easing of the balance of payment situation might remain unrealized or narrowed down due to likely instability in the balance of payment and the exchange rate. Obviously, FDI brings in the more foreign exchange, improves the balance payment and raises the value of the host country's currency. However, when the imported inputs need to be obtained or when the profits are repatriated, a strain is placed on the host country's balance of a payment and the home currency leading to its depreciation. Such instability, आपने कल का चैप्टर पढ़ा था, उन्होंने क्या बोला था? हमारे कंट्री में अगर हम लोग बहुत सारा बनाएंगे तो बहुत सारा एक्सपोर्ट करेंगे, तो FDI का बहुत सारा माल बनेगा, एक्सपोर्ट जरूर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर उनका ये भी मानना है जितने लोग जो एक्सपोर्ट करने की बातें कर रहे हैं, ये लोग एक्सपोर्ट करते समय बहुत ज्यादा इंपोर्ट भी तो करेंगे, और ये लोग कमा कमा के कुछ पैसा रिपेट्रिएट मतलब अपने देश में भी तो भेजेंगे। उस केस में से बहुत सारा जो पैसा इंडिया में आया हुआ है वो बहुत सारा पैसा उतने ही प्रमाण में बाहर भी जा सकता है, इसलिए हमारे फॉरेन के एक्सचेंज के टर्म्स में हमारे रुपए की वैल्यू घट भी सकती है। Are you able to understand? अब अलग अलग पहलू है लिखने के, अब ऐसा मत समझो कि FDI अच्छा है। अब ये अलग अलग तरीके से अब ये सारा एक आंसर जब लिखते हैं तो ये हर एंगल से लिखते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा हो सकता है। वैसे अच्छा क्या है, FDI करेंगे बहुत सारा एक्सपोर्ट होगा, रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, अच्छी बात। ओके, उल्टा क्या बोल रहा है? नहीं, ये लोग इंडिया में कमाएंगे तो पूरा इंडिया में नहीं रखेंगे, अपने देश में भी भेजेंगे तो बहुत सारा इंडिया से बाहर भी तो जाएगा, तो ये उनके हिसाब से ये चीजें नेगेटिव में चले गई। आगे, jobs that require expertise and entrepreneurial skill for a creative decision making may generally be retained in the home country. वो क्या बोल रहे, शाने लोग है, मतलब जो अच्छे अच्छे के जो दिमाग वाले काम है ना ये यूएसए में कर लेंगे, और जो नहीं गधा मजूरी वाले काम है वो इंडिया के लोगों भेजेंगे। नहीं समझे, मतलब भारत का टैलेंट यूज ही नहीं होगा। टैलेंट वाला जो मेन स्पेशल काम होता है ना, और वैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक्चुअल में जो डिजाइनिंग का जो मेन काम होता है ना ये लोग यूएसए में करा लेते हैं, और यहाँ पे जो कोडिंग का जो काम होता है ना चिल्लर, वो हमारे मगरपट्टा में और इंजवाड़ी में करवाते। तो भारत के लोगों को कौन सा काम दे रहे हैं? गधा मजूरी, जो डोंकी वर्क है, और जो मेन दिमाग वाला काम है उनके लेबर से करवा रहे। आगे,
High profit orientation of a foreign direct investor tend to promote distorted pattern of a production and investment such that production could get concentrated on item of elite and popular consumption and on non-essential items. Underline the word non-essential item. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब वो लोग उसी चीज पे फोकस करेंगे. कौन सी चीज पे? फॉरेन. देखो, हाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, उनकी इच्छा क्या है कि हम लोग कम इन्वेस्ट, मतलब हम ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो वो लोग कौन सी चीजों में इन्वेस्टमेंट करेंगे? टेन टू प्रमोट और डिस्टॉर्टेड पैटर्न ऑफ अ प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट सच दैट प्रोडक्शन कुड गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन आइटम ऑफ एलाइट. एलाइट मतलब क्या? जो प्रेस्टिजियस एंड पॉपुलर कंजम्पशन एंड नॉन एसेंशियल आइटम्स. मतलब भारत के लोगों को जो खाने पीने के लिए लगता है उसमें ये लोग फोकस नहीं करेंगे. ये बनाएंगे यहाँ पे आके परफ्यूम्स. समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मतलब ये जो ऐसी चीजें बनाएंगे ना, ये लोग बनाएंगे कॉस्मेटिक्स, मतलब ऐसी चीजों में घुसेंगे जिसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है. ये लोग यहाँ पे आके शुगर फैक्ट्रीज नहीं खोलेंगे इंडिया में आके जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट नहीं. ये लोग कौन सी चीजों में आएंगे? जिसमें इनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, क्योंकि एडिबल ऑयल में, शुगर में, राइस में जो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन. ये लोग आएंगे परफ्यूम्स में, आएंगे कॉस्मेटिक्स में, आएंगे थोड़े से हाई नीच प्रोडक्ट में, ताकि इनका प्रॉफिट बढ़ेंगे. फॉरेन, वही पढ़ रहा ना बराबर, हाँ. फॉरेन एंटिटीज आर यूजली अक्यूज्ड ऑफ बीइंग एंटी एथिकल एज दे फ्रीक्वेंटली रिसोर्ट टू मेथड लाइक एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग. ये बिल्कुल सही बोला है. जैसे कोलगेट के ऐड आपने देखी होंगी, कुछ भी बोलता है आपको. कभी कभी पेप्सी के ऐड में भी गुस्सा नहीं आता, मतलब वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई भी चीज का बात का बतंगड़ बना देंगे. मतलब नमक वाला टूथपेस्ट, मतलब कि अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए ये किसी भी हद तक एडवर्टाइजमेंट में गिर सकते. कभी कभी ये अनएथिकल एड का भी इस्तेमाल कर लेते. समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? मतलब ये लोग जो जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है. भारत के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी मसाला लगा के भेज देते हैं जो एथिकल नहीं है. और जो कभी कभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं जिसका कोई सच से लेना देना नहीं है. जैसे कुछ ये कैडबरी खाएंगे तो आप इतना तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपको दिन भर भूख नहीं लगेंगे. वो ऐसे हौले से एडवर्टाइजमेंट आती कुछ कुछ. ये आपने माउंटेन ड्यू पी लिया या ये पेप्सी पी लिया तो आप इधर जाएंगे, डर के आगे जीत हो जाएगी. अरे कैसे डर के आगे जीत हो जाएगी? जो डर लगना लगेगा ही. अ लार्ज फॉरेन फर्म्स विद अ डीप पॉकेट्स मे अंडरकट अ कॉम्पिटिटिव लोकल इंडस्ट्री. ये सबसे बड़ा, यही तो पॉइंट है जिसकी वजह से किराना दुकान वाले लड़ रहे. डीप पॉकेट समझता है क्या? अमेज़न के और वॉलमार्ट के पास में डीप पॉकेट है. डीप पॉकेट मतलब समझता है? बहुत पैसा रख के है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा उनकी जेब में है. तो आके दो चार साल अगर लॉसेस में रहेंगे भी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले लॉसेस खा खा के इंडिया को पूरा बर्बाद करेंगे और फिर एक समय आएगा मोनोपोली क्रिएट करेंगे. और इन्हीं की वजह से आप सभी जानते हो ये लोग लॉस भुगतते हैं फिर भी इंडिया में काम कर रहे हैं, ताकि उनको इंडिया में एक जमाने में. और बताओ उनके लॉस भुगतने से क्या हो जाएगा? इंडिया के जो लोकल जो किराना शॉप वाले लोग है या जो लोकल जो रिटेलर्स है, बोलो आगे क्या हो जाएगा? इनकी वाट लग जाएगी. वो भी एक डिसएडवांटेज है. FDI usually involves domestic campaign of shoring of shifting jobs and operations abroad in pursuit of lower operating cost and consequent higher profits. This has deleterious effects on the employment potential of home country. अब ये किसकी बात कर रहे भाई? ये तो अपनी बात नहीं कर रहे, होस्ट कंट्री की. अब ये आप ये सोचिए, सारे धंधे अगर यूएसए से इंडिया में आ जाएंगे तो यूएसए क्या खाक बचेगा? नहीं समझा? उल्टा सोचो आप. वापस बोलो एक बार. आप सोचो सारे यूएसए के सारे कंपनीज अगर इधर इंडिया में आके सारा प्रोडक्शन कर रही है तो दर्द किसको होगा? अब एक समय ऐसा आ जाएगा यूएसए के लोगों को, बोलो क्या नहीं होगा? उधर ही एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा. वही बोल रहा हूं, होम कंट्री मतलब उधर की कंट्री. हम कौन है? होस्ट कंट्री. द कंटिन्यूएंस ऑफ लोअर लेबर और एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड इन होस्ट कंट्रीज is highly appreciated by profit-seeking foreign enterprise. है ना? Continuance of क्या लिखा है? Lower labor और environmental standard. Lower labor, आप समझे नहीं? Lower labor और environmental standard समझता है?
मतलब इंडिया में आके इतना पोल्यूशन क्रिएट कर देंगे ना, उनको क्या मतलब है इंडिया से? अगर मान लो इंडिया के लोग पोल्यूशन से मरने लगे, इज इट हैविंग द इम्पैक्ट ऑन दैट? नो, वो इंडिया को रुथलेसली यूज करेंगे. मतलब फॉर देम इंडिया इज लाइक यू नो यूज एंड थ्रो. उनको क्या परवाह है भारत में क्या होने लगा? वो चाहे तो अपने फायदे के लिए न जाने कितने पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे. एनवायरमेंट के बारे में सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? नहीं सोचेंगे. लेबर के बारे में, लेबर की फैसिलिटी के बारे में नहीं सोचेंगे. दिस इज अ ग्रेट ऑफ ग्रेट कंसर्न बिकॉज एफर्ट्स आर कन्वर्ज सच स्टैंडर्ड्स ऑफन फेल टू रिसीव सपोर्ट फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टीज. आगे, एट टाइम्स देयर इज अ पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन इन्वॉल्व व्हेन फॉरेन फर्म्स फंक्शन इन द टेरिटरी ऑफ द होस्ट कंट्री, especially when acute hostiles prevails. वापस से इस लाइन को पढ़ता हूँ. At times there is a potential national security consideration involved when foreign firm function in the territory of the host country. नहीं समझा? सबसे बड़ी बात थी, अगर मान लो भारत के बाहर वाले लोग, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोग ही इंडिया में आके बिजनेस करने लगे, तो समझ में ये कैसे आएगा कि वो बिजनेस करने आया था कि वो टेररिस्ट है? नहीं समझा? मतलब कहीं ऐसा ना हो, अरे एग्जाम्पल ब्रिटिश लोगों ने तो वही किया ना, धंधा करने को आए थे, इंडिया लूट लिए. हम ये कैसे समझेंगे ये दिमाग में इसका धंधा है या इसके दिमाग में इंडिया को कैप्चर करना है? वापस पढ़ना इस लाइन को. एट टाइम्स देयर इज अ पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन सिक्योरिटी इन्वॉल्व व्हेन द फॉरेन फर्म्स फंक्शन द टेरिटरी ऑफ द होस्ट कंट्री. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब हमारे जब वो एरिया में काम करते तो हमें इस बात का डर है कहीं वो हमारे इंडिया को छीन ना ले, हमारे धरती पर कब्जा ना कर ले. इस तरह से उसके डिसएडवांटेज भी है. जब मैं पढ़ रहा था, मैं समझ रहा था कि आपको एक एक लाइन जब पढ़ रहा था, आपको ये डिफिकल्टी नहीं लग रही ना? मतलब आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये समझ क्यों आ रहा है? बिकॉज आपने को एक कॉन्सेप्ट पता कि एफडीआई क्या है. अब आपने को ये टेंशन नहीं, एफडीआई समझ रहे, एफडीआई के फायदे भी समझ जाएंगे और एफडीआई के कंसर्न भी समझ जाएंगे. अब क्या लिखा है ये आपको मैंने कहा था, लास्ट के दो क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है, सिर्फ आप गो थ्रू करना. ये मैं नहीं पढ़ूंगा कि आजकल इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है? पर एक चीज है, एक बंदा है जो इस चीज से बहुत परेशान है. नाम तो सुना ही होगा आपने, कभी इनके बारे में सुना है? नहीं, ये अभी नहीं, ये तो मैं आपको अगले चैप्टर में दिखाऊंगा. ओके फाइन, मैं आपको ध्यान से देखना. ये क्या लिखा है? मोड्स ऑफ अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज सच एज ओपनिंग ऑफ अ सब्सिडरी और एसोसिएट. सब्सिडी समझती है? इंडिया में 51% से लेके 99% तक आप खोल सकते हो, जैसे कि वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट. एसोसिएट मतलब 20 से लेके 50. इक्विटी इंजेक्शन इनटू ओवरसीज, ओवरसीज मतलब फॉरेन कंपनीज में इक्विटी लेके. एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी. ये फॉरेन कंपनी मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कोई भारत के बाहर वाला जब इंडिया में आएगा तो उसके लिए इंडिया की कंपनी फॉरेन कंपनी रहेंगी ना, तो वो भारत के बाहर वाला क्या बोलेगा? मैंने इंडिया की कंपनी में, पहले में क्या बोलेगा? इंडिया की कंपनी को मैंने क्या बना दिया? सब्सिडरी एसोसिएट बना दिया. दूसरे में बोलेगा मैंने क्या कर दिया वहां के? इक्विटी इंजेक्शन, समझ रहा? इक्विटी ले ली भारत की कंपनी में आके, या फिर इधर आके उसको क्या कर लिया? एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज. मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे कि बिरला सन लाइफ. जॉइंट वेंचर विद अ फॉरेन कंपनी, अगेन द सेम कॉन्सेप्ट. Greenfield investment, establishment of a new overseas affiliate for a freshly starting production of a brand. समझा क्या? मतलब जैसे कि आपका खुद का धंधा ही आके आपने चालू कर दिया. आखिरी वाला सबसे अलग है. आखिरी वाले में वो कर रहे हैं, आपने किससे मर्जर टाइप कुछ नहीं किया. ऊपर वाले एबीसीडी में वो पांच जो है ना, एक जैसे भाई बंदे, वो इंडिया की जो कंपनी उसमें आके अपना स्टेक ले रहे हैं, उसको एसोसिएट बना रहे, ज्वाइंट वेंचर बना रहे, मर्ज कर रहे. ये जो सिक्स नंबर का ना ग्रीन, मतलब क्या? आपने पूरा फ्रेश अपना खुद का एक अस्तित्व इंडिया में बना दिया, वो अलग है भाई. इंडिया में आने के अलग तरीके हैं. मैं आपको चाहे तो ये बता दूं, लिस्ट ऑफ फॉरेन मर्जर्स एंड एक्विजिशन. इसको ये हमें समझेगा नहीं क्या? मर्जर्स, ध्यान से देख लीजिए, है कि कुछ?
तो वर्ल्ड के दिखा रहा है। बहुत ऐसे जैसे कि टाटा स्काई है, स्काई बाहर की कंपनी है, जैसे कि मारुति सुजुकी है, कोटक महिंद्रा है, बहुत है, टाटा स्टील है, वोडाफोन है, हच, हिंडाल्को, नोवेल्स, रेनबैक्सी, ओएनजीसी, इंपीरियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्या लिखा है, स्कोनवेस, टाटा मोटर जैगवार, है ना। अब टाटा मोटर जैगवार उल्टी कहानी है, हमने दूसरों में इन्वेस्ट किया, नहीं समझा, कैसे बताओ, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का उल्टा ही है, हमने उधर में जाके इन्वेस्ट किया, बराबर है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कॉन्सेप्ट, अभी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो कि उसके पॉइंट, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके लिए FDI, पर है तो दोनों भी एग्जाम्पल FDI की। ओके, आगे अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस चैप्टर से, जो आखिर FDI क्यों किया जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगले 5 मिनट में खत्म करेंगे और फिर चैप्टर इज गेटिंग ओवर। ओके फाइन गाइस, सो दिस चैप्टर विल बी ओवर विद इन 5 मिनट्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, हरी अप एवरीबॉडी। इन्वेस्टमेंट मूव अक्रॉस ऑन अकाउंट ऑफ, आखिर इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाती है, द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑन नेशनल इकोनॉमी एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रेड रिलेशंस एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एस्टेब्लिश अमंग देम। अब मुझे बताओ भाई, भारत के बाहर के लोग भारत में आके इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? सबसे बड़ी वजह है कि हमारी इंटरडिपेंडेंस बन चुकी है। मुझे बताओ, भारत के बाहर की IT कंपनीज भारत में IT कंपनीज क्यों खोलती है? बिकॉज उनको भारत से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल मिलता है। और यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँगा, भारत के बाहर के लोग वॉलमार्ट जैसे लोग भारत में आके अपना धंधा क्यों खोलते हैं? बिकॉज उनको भारत के ऊपर उनके कंजम्पशन डिपेंडेंट है, क्योंकि वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन तो भारत में रहती है। मतलब वर्ल्ड के 100 में से 18 लोग कहाँ रहते हैं? तो इंडिया में खाने वाले लोग भी तो है ना, तो इनको इंडिया के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। नंबर 2, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ अ ट्रांजैक्शनल ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन इन देयर सब्सिडरीज एंड अफिलेट्स। उसके बाद में लिखा है, अच्छा आपको क्वेश्चन समझा, क्या लिखा है कि भारत के बाहर के लोग भारत में क्यों बिजनेस करने के लिए आते, क्यों इन्वेस्टमेंट, आखिर क्या वजह है? तीसरी बात, डिजायर टू रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ये तो भारत के, भारत में आते ही लोग, भारत तो सबसे बड़ा वर्ल्ड का बाजार है, बाजार, इस बाजार में सोचो ना, अगर मान लीजिए किसी बड़े ब्रांड की दुकान अगर इंडिया में और चाइना में नहीं है तो फिर उसके पास में क्या है? क्योंकि हमारे पास में 133 करोड़ है, चाइना में 160 है और पूरे वर्ल्ड के 600 है, तो 300 करोड़ तो हमारे दोनों के पास ही है, तो आधा वर्ल्ड तो बाजू बाजू में रहता है। तो मतलब अगर किसी को बहुत बड़ा आदमी बनना है, ब्रांड बनना है, तो उसको चाइना और इंडिया में तो आना ही पड़ेगा। तो इसलिए चाइना और इंडिया में लोग झकमार के आते हैं, बिकॉज यहाँ पे खाने वाले लोग ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है। तीसरी, चौथी बात, लैक ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद अ फॉरेन प्रोड्यूसर इन द व्यू ऑफ रैपिड रेट ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन। अब जरा ऊपर वाला पॉइंट पढ़ना, इन्वेस्टमेंट मूव अक्रॉस बॉर्डर्स ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ अ लाइसेंस एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट विद अ फॉरेन प्रोड्यूसर्स इन अ व्यू ऑफ द रैपिड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब वो क्या बोल रहा है, किसी और के धंधे में आके, वो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? तो उन्होंने क्या बोला है कि जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, वो जिस तरह के लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं, वो यहां पर लिख रहा है इन द व्यू ऑफ रैपिड रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। मुझे कुछ कहना है, सुनो ना, अगर मान लीजिए अगर उधर का बंदा इधर इंडिया में आके अगर खुद का बिजनेस चालू कर रहा है, तो उसको कुछ टेंशन नहीं कि कौन क्या टेक्नोलॉजिकल कितना अच्छा है कितना बुरा है। अगर मान लीजिए कल्चर के खुद आके वो अगर अपना खुद का इंडस्ट्री खोलेगा, तो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बात करूँगा, इन्फोसिस माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, तो माइक्रोसॉफ्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा, बिकॉज उसको अलाउड है कि वो 100% भी माइक्रोसॉफ्ट की खुद की कंपनी इंडिया में खोल सकता है। तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि इंडिया में कौन क्या बोल रहा है, तो किसी के एग्रीमेंट का टेंशन नहीं, उसकी उसके एग्रीमेंट में फिजिबिलिटी है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया में आके इन्फोसिस के साथ में ही बिजनेस करना उसको जरूरी नहीं है, वो खुद की कंपनी भी आके खोल सकता है। तो इसलिए लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज उनको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी है। आगे, नेसेसिटी टू रिटेन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजल खीज। अगर मैं यही बात अगर मैं उसकी होती फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो ये बात हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते,
हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एफडीआई। और एफडीआई में होता क्या है, वो लोग आके इंडिया में अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है, और वो लोग खुद ही मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर किसी ने पूछा कि वॉलमार्ट ने इंडिया में आके फ्लिपकार्ट को क्यों इन्वेस्ट किया, बिकॉज अब वॉलमार्ट के लोग फ्लिपकार्ट के डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। तो एफडीआई लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको मैनेजमेंट करना अलाउड है। मतलब कल चक्के अगर मान लो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक कंपनी खोली है, तो उसका पूरा मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट के विलियर्स खुद कर सकते हैं। आगे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, मुझे बताओ लोग रिस्क को कम करने के लिए इंडिया में क्यों आते, बिकॉज सारा अगर मान ले मैं यूएसए की एमवे कंपनी हूँ और सारा का सारा धंधा अगर यूएसए में कर रहा हूँ, और जिस दिन यूएसए का रिसेशन हो जाएगा तो मेरे तो लग जाएंगे, इसलिए मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आगे शेयर्ड कॉमन लैंग्वेज और कॉमन बाउंड्रीज एंड पॉसिबल सेविंग इन टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। आपको समझा क्या बोला, शेयर्ड कॉमन लैंग्वेज और कॉमन बाउंड्रीज एंड पॉसिबल सेविंग इन टाइम। मैं समझा नहीं सेविंग कैसे, अगर मान लीजिए अगर इंडिया में मुझे कार को एक्सपोर्ट करना है, मैं फोक्स वैगन हूं, मैं बनता हूं जर्मनी में हूं, तो उधर से एक्सपोर्ट करने से एक काम करता हूं ना, मैं इंडिया में बना लूंगा, तो इंडिया में एक काम करता हूं, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोल कर रख देता हूं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर देता हूं, तो मेरा टाइम भी सेविंग हो जाएगा, जियोग्राफिकल टाइम खत्म हो जाएगा। नेसेसिटी टू रिटेन कंप्लीट कंट्रोल ओवर इट्स ट्रेड पेटेंट्स। आप मुझे बताओ एप्पल, अगर एप्पल का फोन अगर इंडिया में लॉन्च करके अगर मैन्युफैक्चर करके बेचेगा, तो मुझे बताओ क्या अभी भी पेटेंट उसके नाम पे रहेंगे क्या? हाँ, मतलब कोई इंसान इंडिया में आएगा तो जरूरी नहीं कि उसको एप्पल को अपना नाम अलग कुछ पाइनएप्पल करना पड़ेगा, उसका नाम तो एप्पल तब भी रहेगा, उसका सिंबल तो तब भी रहेगा, उसकी टेक्नोलॉजी वैसी रहेंगी। उसको हम लोग जब कोई इंडिया से, इंडिया के बाहर का इंडिया में जब आता है, तो उसको इंडिया के हिसाब से चेंज होना जरूरी नहीं है, उसका अभी भी पेटेंट का, पेटेंट समझता है, उसका ट्रेडमार्क, उसका पेटेंट बनाने के तरीके, उसके जो सारी चीजें है, वो जिस ढंग से मोबाइल को बनाता है, उसकी चीजें अभी भी उसकी होती है, हमारी थोड़ी ना हो जाती। वो तो हम लोग सिर्फ धंधा करने के लिए उसको फैसिलिटी दे रहे हैं इंडिया में। आगे प्रमोटिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल ह्यूमन फाइनेंशियल। अब मुझे बताओ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल ह्यूमन एंड फाइनेंशियल अदर रिसोर्सेस। आप मुझे बताओ अगर किसका यूटिलाइजेशन हो रहा है, नहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर मान लीजिए अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूँ और वो सिर्फ यूएसए में ही करता हूँ, तो उसको यूएसए के लोग ही बाय करेंगे, और मैं वो प्रोडक्ट अगर वर्ल्ड में हर जगह पे बनाता हूँ, तो मेरी एक ही चीज़ का, सपोज मैंने एक रिसर्च किया मोबाइल बना दिया, अब वो मोबाइल अगर मैं इंडिया में नहीं बेचता और सिर्फ यूएसए में बेचता, तो यूएसए के लोग ही खरीदते, और अगर मैंने ये चीज़ें बनाना मैंने चाइना में भी चालू कर दी, मैंने इंडिया में चालू की, तो मेरा एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ है उसके से मैं पूरे वर्ल्ड का सारा रेवेन्यू कैप्चर कर रहा था, मतलब मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। अरे भाई अमेरिका के लोग भी बाय कर रहे हैं, तभी भी मुझे उतना ही R&D लगता, और अमेरिका के साथ में जैसे आईफोन X बनाया और सिर्फ अमेरिका के लोग ही बाय करते, तो तब भी तो उतना ही रिसर्च करना पड़ता, और अब पूरा वर्ल्ड बाय कर रहा है तो तब भी तो उतना ही रिसर्च करना पड़ रहा है। तो मतलब मेरी एक कॉन्सेप्ट जो है जो मैं बनाता हूँ उसका ऑप्टिमम मुझे मुनाफा हासिल होता है, समझ में आ रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। Desire to capture large and rapidly growing high potential emerging markets. Example India. आपको पता नहीं भारत के बाहर के जितने भी लोग हैं वो इंडिया में इसलिए आते हैं बिकॉज इंडिया में खपत ज्यादा है और इंडिया में बाइंग पावर ज्यादा है, इसलिए वो भारत को भी कैप्चर कर लेते हैं बिकॉज वो भारत में आके अपना, जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो इंडिया में फेसबुक और गूगल बंद हो गया है, तो आधा गूगल और आधा फेसबुक तो बंद ही हो गए। आज सबसे ज्यादा यूजर्स फेसबुक और गूगल की कहां से है, इंडिया से, और इंडिया में अगर बैन हो गया तो सोचो इन लोगों को इंडिया में आने से फायदा क्या हो रहा है, इंडिया में ज्यादा यूजर्स है। वैसे कोई भी कंपनी, कोई भी कार कंपनी इंडिया में आके क्यों बनाती है, क्यों करती है, बिकॉज इंडिया में कंजम्पशन ज्यादा है, इंडिया इज अ इमर्जिंग, इमर्जिंग समझता है, मतलब इंडिया एक अपकमिंग मार्केट है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है। ईज ऑफ पेनिट्रेशन इन टू मार्केट ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव एस्टैब्लिश इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन सच एज व्हाट, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्लैंकेट बैंस एंड हाई कस्टमर, समझा कि क्या बोल रहा है, मतलब ईज ऑफ पेनिट्रेशन इनटू मार्केट्स, क्योंकि आज भारत में आके किसी को भी कंपनी खोलना बहुत आसान हो गया बिकॉज मोदी जी ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। अगर किसी को भी कहते हैं अब तुम भारत में जाके इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, तो लोग क्या कहते हैं, भारत में जाना अब पहले से बहुत आसान हो गया है। तो किसी ने कहा कि हम लोग, क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, लोग FDI क्यों कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, एग्जाम्पल लोग इंडिया में आके क्यों अपना धंधा खोल रहे हैं, बिकॉज इंडिया में रेस्ट्रिक्शन ज्यादा है कि कम है, कम हो गया ना अभी। आगे लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द होस्ट कंट्री एंड द कॉन्सिक्वेंट रिलेटिव सेविंग इन द कॉस्ट, समझा क्या लिखा, लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड, ऐसे कुछ कंट्रीज है जहां पे एनवायरमेंटल कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है,
आजकल तभी इंडिया में स्वच्छ भारत और एनवायरनमेंट की बातें हो रही, इतना पोल्यूशन हो रहा है। कुछ ऐसे कंट्रीज है, अगर वहाँ पे आप अगर जाके अपना कुछ खोल रहे हो राइट बिजनेस, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं, तुम जितना धुआं करना करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ तुम उधर आओ बिजनेस खोलो। बिकॉज इस धरती पर 220 कंट्रीज है और 220 कंट्रीज में से कुछ ऐसी कंट्रीज है जिसके नाम भी आप जानते नहीं, और ऐसी कंट्रीज का इकोनॉमी इतना वर्स्ट कंडीशन में, अगर वहाँ पे जाके अगर आप कोई फैक्ट्री खोल दोगे तो वहाँ के लाखों जवानों को जॉब मिल जाएगी। तो आपको ये बोलेंगे इतना पॉल्यूशन चाहिए, वो बोलेंगे भाई रोटी मिल जाएगी, बड़ी बात है, पॉल्यूशन का बाद में देख लेंगे, बराबर है। तो पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड कम रहेंगे ज्यादा रहेंगे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आज इंडिया में भी पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड इतने ही, धीरे धीरे इंडिया जागरूक हो रहा है। अभी हम लोग पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, पहले नहीं थे ऐसे। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इंडिया में लोग क्यों आ रहे हैं और पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज पाकिस्तान में पॉलिटिकल बहुत अनस्टेबिलिटी है, जैसे अभी इमरान खान है, कल कोई और था, कल कोई और हो जाएगा। तो इसके से क्या हुआ, इंडिया में इतनी स्टेबिलिटी क्यों है? बिकॉज पूरी सरकार बहुमत से मोदी जी की है। 5 साल पहले 10 अलग अलग पक्ष के लोग का मिला के कांग्रेस बनी थी, तो तब वो पॉलिटिकल स्टेबल था कि अनस्टेबल था? आज कैसा स्टेबल है? इसलिए इंडिया स्टेबल है, इसलिए लोग इंडिया में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हायर डिग्री ऑफ ओपननेस टू फॉरेन कैपिटल एग्जिबिटेड बाय द रेसिपिएंट कंट्री, मतलब समझ गए, इंडिया को लेकर, इंडिया में बाहर वालों को लेकर बहुत ओपननेस है। तुम, हम लोग बोल रहे कम वोट में, सिर्फ तुम इंडिया में आओ, वो जो बोल रहे वो शर्तें हम मंजूर कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना चाह रहे कि तुम इंडिया में आओ और इंडिया में बिजनेस बढ़ाओ। तो बताओ इंडिया में लोग क्यों आ रहे? ओपननेस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेटेजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल, समझा क्या बोला? द स्ट्रेटेजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल और रिसोर्स सो एज टू इंश्योर देयर अनइंटरप्टेड सप्लाई एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, समझा क्या बोला? ऑप्टेन स्ट्रेटेजी, मतलब इंडिया में आकर कोई भी इंसान आईटी कंपनी क्यों खोलता है? क्योंकि उसको इंडिया में अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इंजीनियर हो जाता है, समझ गए? इंडिया में क्यों कोई आ रहे? क्योंकि इंडिया में जो चीजें उनको लगती है वो बड़ी सरलता से, आसानी से उपलब्ध है, तो जाहिर सी बात है वो इंडिया में आके बिजनेस खोलेंगे। आगे, एग्जिस्टेंस ऑफ रोड, ये तो सबसे बड़ी बात है, इंडिया में वो भी इंजीनियर है तो है, वो भी सस्ते मिल जाते हैं। तो कोई अगर बोलता है इंडिया में जाके क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बोलते हैं इंडिया में सबसे बड़ी बात है लेबर बहुत ज्यादा भी है और वो भी सस्ते हैं। आगे, टैक्स डिफरेंशियल्स एंड द टैक्स पॉलिसीज ऑफ द होस्ट कंट्री, समझ गया? सबसे बड़ी बात, भारत में जब कोई आता है, कोई विदेशी कंपनी आती है, तो हमने उनको बहुत सारी सब्सिडीज दी है और बहुत सारे टैरिफ कम किए, बहुत सारे टैक्सेस कम किए, वो भी वजह है कि भारत के लोग इंडिया में आ रहे हैं। कितने पॉइंट्स, ये लोग पागल वागल है, मतलब मुझे एक समझ रहा नहीं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो क्या आपको सारे लिखना है? ये क्वेश्चन आएगा 3-4-5 मार्क के लिए, तो अभी ये 25 पॉइंट इमोशनल होकर लिख मत देना, आपको 5-10 पॉइंट जितने याद आए बगैर मेहनत से उतने लिख देना, क्योंकि इतना संभव नहीं है। और एग्जामिनेशन में FM का पेपर ही इतना बड़ा होता है, FM का पेपर 60 मार्क, वही 2 घंटे ले लेंगे, अब 1 घंटे बचे उसमें 40 मार्क कंप्लीट करना होंगे, आप हौले जैसा करोगे, आपका उद्दा क्या रहेगा मालूम है उस समय, कि समहाउ आई शुड बी एबल टू फिनिश पेपर। तो अगर आपके दिमाग में 5-6-7 पॉइंट उस समय आ गए ना, तो आप बोलेंगे वो भी बहुत बड़ी बात होगी, बिकॉज FM इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और आपको कोई भी हालात में आपका FM का पेपर 1 घंटे 50-55 मिनट तक खत्म करना जरूरी है, बिकॉज इसको 1 घंटा 10 मिनट तो लगना जरूरी है इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स पूरा थ्योरी है तो लिखना भी है उसमें ऐसा। हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड हाई पर कैपिटल इनकम कपल्ड विद देयर हाई रेट ऑफ ग्रोथ, देर आर ऑल्सो अदर फिलेंथ्रॉपिक ऑब्जेक्टिव सच एज वॉट स्ट्रेंथनिंग ऑफ अ सोशो इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर, एलिवेशन ऑफ अ पॉवर्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ वॉट इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द होस्ट कंट्री। वाह, ऐसे मुद्दे तो बहुत ही कम लोगों के होंगे। वो क्या बोल रहा है, कुछ लोग इसलिए भी आते हैं यहाँ पे, देर आर ऑल्सो अदर फिलेंथ्रॉपिक ऑब्जेक्टिव सच एज वॉट स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कोई इंसान इसलिए इंडिया में आ रहा है कि इंडिया का भला हो जाए, ऐसा लगता है आपको कोई आता हो? मतलब इंडिया में इसलिए धंधा कर रहे हैं बिकॉज हमारा प्रॉफिट गया बाढ़ में, पर इंडिया का प्रोग्रेस होना जरूरी है, इंडिया में ये जो पॉवर्टी वो कम हो जाना चाहिए, इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए। तो कुछ ऐसे हो सकते हैं बहुत महात्मा लोग जो इस वजह से इंडिया में आ रहे हैं। और प्रीवेलेंस ऑफ हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल एमिनिटीज एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द होस्ट कंट्री, और कुछ लोग इसलिए इंडिया में आ रहे हैं कि यहाँ की सोशल एमिनिटीज बहुत अच्छी है, और कुछ लोग इसलिए आ रहे ताकि यहाँ की जो क्वालिटी लाइफ अच्छी है इसलिए इंडिया में। ऐसा इंडिया अगर मान लीजिए बहुत ही डेवलप्ड कंट्री अगर होता
तो मैं ये बात कहता था कि इसलिए लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज उनको इंडिया में बहुत हाई स्टैंडर्ड की लाइफ मिलती है। पर ऐसा मगर मैं बात करूँ उल्टा कि इंडिया के लोग यूएसए में क्यों जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट क्यों करते हैं, तो वो ये बात बराबर है कि वहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से सारी बातें हमने देख ली। ये क्वेश्चन में हमने क्या समझा कि आखिर क्यों क्या, बोलो जल्दी से, एफडीआई में मतलब भारत के बाहर के लोग इंडिया में क्यों आके बिजनेस करते हैं, ये क्वेश्चन आपने यहां से समझा। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूंगा तो मोटा मोटी अगर स्टार्टिंग से हम थोड़ा सा एक मिनट के लिए दिमाग लगाए तो मुझे आपको यह बताना है कि कौन से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। पहली बात तो कौन से चार सोर्सेस से हमें पैसा प्राप्त हो सकता है, एक एड असिस्टेंस की बात है, दूसरी बोरोइंग की बात करें, तीसरी एनआरआई डिपॉजिट्स की बात है और चौथा एफपीआई और एफडीआई। फिर सवाल उठ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एफडीआई की तीन टाइप्स कौन से, एक तो ठीक है एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है और एक कॉन्ग्लोमेरेट है। ये बहुत ईजी है, अगर हमने हमारे जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो हॉरिजॉन्टल, हमने हमारे रॉ मटेरियल या डिस्ट्रीब्यूटर से टाइप किया या इन्वेस्टमेंट किया तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, नहीं उसको बोलेंगे वर्टिकल। और हमने ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जिसका हमारे से कोई संबंध नहीं है, उसको कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट। अगला सवाल ये आपके सामने एफपीआई, एफपीआई और एफडीआई में बताओ कौन सा लॉन्ग टर्म है एफडीआई, कौन सा शॉर्ट टर्म है एफपीआई, कौन सा बताएंगे वो है जिसमें सिर्फ शेयर्स लेते हैं सिक्योर लेते हैं एफपीआई, कहां पे हम लोग जाके प्रोडक्शन करते हैं रॉ मटेरियल लेते हैं, कहां पे इसी फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं एफपीआई, कहां पे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एफडीआई, कहां पे निकलना आसानी से है एफपीआई, कहां पे आपका कंट्रोल और ओनरशिप में आप इन्वॉल्व हो जाते हो एफडीआई, और कहां पे आप कंट्रोल पावर में नहीं आते हो एफपीआई। रीजन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको ये पूरी लिस्ट अभी आपके सामने जारी की थी, इतने सारे लिस्ट में आप चार पांच पॉइंट अगर बता देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। भारत के बाहर के लोग भारत में क्यों आते हैं, एक सामाजिक पॉइंट था कि भारत के विकास के लिए, वो ऐसा कभी लगता नहीं, और हम इंडिया के बाहर क्यों जाएंगे यूएसए में, क्योंकि वहां की लाइफ अच्छी है, ये दो बातें। तीसरी बात है भारत के बाहर के लोग इंडिया में आते हैं बिकॉज उनको टैक्स कम लगता है, इसलिए उनको लगता है अच्छी बात है, भारत में बहुत सारे टेंशन नहीं है, बहुत सारे बैरियर्स नहीं है, बहुत सारे रिलीफ है, इसीलिए आते हैं। अब बताएंगे भारत के बाहर के लोग और इंडिया में क्यों आते हैं, हाँ जी, यहाँ के लो रेजेस के लिए, और वो भी उसका सप्लाई बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और बताएंगे इंडिया के मार्केट को इमर्जिंग मार्केट है इसलिए वो इंडिया में आते हैं, और एक बात है इंडिया के अंदर इतना मार्केट है, इतना बड़ा कंजम्पशन है, तो उन कंजम्पशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो इंडिया में आते हैं। देखो हमने ज्यादा रिवाइज नहीं किया फिर भी ये पॉइंट्स याद आ गए, तो आप अपने ऊपर आपको सिर्फ इतना ही करना है, घर जाकर उसको एक बार रीड आउट करना है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसको अंडरलाइन करना है। अब आपके लिए चैप्टर पूरा अच्छी तरह से समाप्त हुआ, सिर्फ इसको एक बार आप ये पॉइंट्स को अभी मेहनत नहीं लगना है, मेहनत पूरी हो चुकी है, सिर्फ इसको ग्रो थ्रू करना। पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, चार सोर्सेस कौन से, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा एफडीआई के तीन टाइप्स कौन से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तीसरा क्वेश्चन क्या आएगा एफपीआई एफडीआई क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या आएगा आखिर इंडिया में लोग या फिर एफडीआई लोग क्यों करते हैं, वो भी हमने देख लिया। अब आएगा क्वेश्चन मोड्स ऑफ एफडीआई, तो उसके एबीसीडी ईएफ जो पॉइंट है एबीसीडी ई, वो पांचों पॉइंट एक किसी में मर्जर कर लेते हैं, कभी किसको एसोसिएट बना लेते हैं, कभी किसी के इक्विटी में इंजेक्शन करते हैं, कभी को एक्वायर कर ले, वो सब ठीक है। और आखिरी वाला पॉइंट जो सबसे अलग है कि हम अपना खुद का ही धंधा ग्रीन वाला, मतलब हम लोग किसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी खुद की दुकान चालू करेंगे इंडिया में। अब बताओ इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है, और इसके बाद वाला क्वेश्चन है इसका नुकसान क्या है। फायदे बताओ बच्चों कौन से बगैर देखिए कुछ भी चार पांच फायदे बताओ। एफडीआई का फायदा इंडिया को क्या हुआ, क्या इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ होगी, क्या इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएगा, बोलो ना, क्या इंडिया में आप मुझे बताओ इतनी सारी चीजें होगी तो इंडिया की इकोनॉमी जो है क्या उसको स्ट्रेंथ मिलेगा। अब सारी चीज अगर इंडिया में होने लगी है तो आम आदमी को सस्ते रेट में इंडिया में गुड्स मिलेंगे, अरे एफडीआई के फायदे बता रहा हूं भाई, तो सारी चीजें सस्ते में मिलने लगेगी। इसमें ये भी चीजें लिखी थी कि अब आपस में कॉम्पिटिशन बढ़ेंगी, किसमें, दुकानदारों में, तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, भारत की जनताओं को सस्ते में और अच्छे क्वालिटी मिलेगी, और बड़े बड़े देशों में भी कंपटीशन हो जाएगी कि कौन एफडीआई ज्यादा खींच के लाता है। उसके साथ साथ में हमने अलाउ किया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये भी डोमेस्टिक सेविंग, ये भी सब बोल दिया मैंने, परस्पेक्टिव इमर्जिंग एक्सेट ग्रोथ, ये भी बोल दिया इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगा, सारे बोल दिया मैंने, प्रमोट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, ये भी बोल दिया, सेटिंग अप प्रोडक्शन बेस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नॉट ओनली क्रिएट्स डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जनरेट, हाँ वही डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और साथ में ये भी पॉइंट है एंसिलरी कंपनीज भी बहुत सारी खुल जाएगी, जैसे फोक्सवैगन यहाँ पे आ रहा है तो फोक्सवैगन को टायर देने वाली कंपनी,
ऑडियो सिस्टम देने वाली कंपनी, ऐसी भी बहुत सारी कंपनी खुलेगी और साथ साथ में बहुत सारा रोजगार भी उपलब्ध होगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पे। उसके बाद में अब बताओ कि प्रॉब्लम्स क्या है। अब ये प्रॉब्लम की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी। अब बताओ एफडीआई आने की वजह से क्या क्या हो। सबसे बड़े लोकल दुकानदार मर गए, बंद हो जाएंगे, उनके ऊपर बड़ा संकट आएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो लोग मोनोपोली कर सकते हैं। और बताओ एफडीआई आने की वजह से क्या वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्या वो इंडिया को इसीलिए आ रहे ताकि उनको इंडिया में सिर्फ पैसे कमाना है, उनको भारत से कुछ लेना देना है नहीं लेना देना। और बताओ जरूरत नहीं कि जो इंप्लॉयमेंट की बड़ी बड़ी बातें कर रहे, हो सकता बड़ा टेक्नोलॉजी कर ले, इंडिया में रोजगार होगा ही नहीं। जरा देखो और बताओ आपके मन से बताओ कुछ। हमारा उन लोग को फैसिलिटी देने के चक्कर में हो जाएगा कि हमारा ही टैक्स का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बिकॉज ये लोग आएंगे तो हमें बहुत सारा टैक्स में सब्सिडी देना पड़ेगा, तो हमें कुछ ज्यादा टैक्स में फायदा नहीं होगा। और बताओ जिस जगह पे उद्धार होना चाहिए वहां तो ये लोग आएंगे नहीं, ये उसी जगह पे आएंगे जहां पे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस है, इसलिए जो गरीब स्टेट है वो गरीब रह जाएंगे और जो अमीर स्टेट है वो अमीर हो जाएगा। और यहां तक इन्होंने ये भी बोला था कि अगर ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उतना ज्यादा इम्पोर्ट भी करेंगे और अल्टीमेटली हमारा फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर गलत परिणाम भी हो सकता है। ये भी सारी बात, वैसे बहुत सारी चीजें और भी है इसमें, अब देखेंगे तो आप एक एक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। पर आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसमें एक पॉइंट वो भी था कि ये जो मेन स्किल्ड वाला काम है वो उधर के लोगों से करवाएंगे, हमारे पास में कुछ ऐसा काम देंगे जो गधा मजूरी वाला काम है। और ये लोग हमेशा उस धंधों में एंटर करेंगे जहां पे हाई प्रॉफिट मिलता है, ये नेसेसिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये जैसे कि परफ्यूम में आएंगे, ये जैसे नीच प्रोडक्ट में आएंगे उसमें चीजें आएंगे। और यहाँ पे इन्होंने लिखा कि वो ये बोला था मैंने कि ये एंटी एथिकल एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, मतलब अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गुजर के ये लोग किसी भी तरह से अपना मार्केटिंग करेंगे। तो अगर मैं इस चैप्टर में देखूंगा तो 7 क्वेश्चन प्रमुख नजर आते हैं। 1, 4 तरीके से बाहर से पैसा था। 2, 3 तरीके से FDI होती है। तीसरा क्वेश्चन FDI FPI में डिफरेंस क्या है। चौथी बात कौन से मोड्स, उन्होंने देखा 5 एक जैसे और 6 अलग था वो। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि क्यों FDI होता है। 6 क्वेश्चन है FDI की फायदे क्या है, और 7वां क्वेश्चन है FDI के नुकसान क्या है। दीज आर द 7 क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी यू नो इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। अगर ये आपको समझा तो इसका मतलब ये चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड। कितने थे इसमें पॉइंट्स, 7 क्वेश्चन, बता दो कौन से पहले दो टाइप्स, वो 4 टाइप्स कौन से 4 टाइप्स, एड्स, बोरोइंग्स, NRI, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन FDI करने के 3 तरीके, मतलब 3 तरीके से FDI करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमेरेट। तीसरी बात FDI FPI, कहाँ पे लॉन्ग टर्म FDI, कहाँ पे शॉर्ट टर्म FPI, कौन सा वो होता है इजीली विड्रॉ कर सकते हैं FPI, कौन सा कहाँ पे कंट्रोल रहता है ये भी आपको पता। चौथी बात वो मोड्स कौन से, 5 एक जैसे मोड है जिसमें एक्विशन करते हैं, मर्जर करते हैं, ऑल दैट। और 6 में ग्रीन फील्ड लिखा था, हम लोग खुद जाकर अपना सेट। 5वां क्वेश्चन आखिर लोग इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या था, कौन से फायदे FDI के होते। और 7वां क्वेश्चन FDI के। तो अगर ये 7 क्वेश्चन के अगर हम लोग एक चार्ट बना के उसके अगर सिर्फ पॉइंट्स बना देंगे ना, इतना डिटेल में मत पढ़ना, क्योंकि इन्होंने जो दिया हुआ है ना ये बहुत डेटा। अब कितने पेज का चैप्टर है, कम से कम 15-20 पेज तो होंगे। नहीं ये वाला यूनिट 5वां यूनिट आई थिंक 10-15 पेज का तो आराम से होगा। और इतने पेजेस का ये चैप्टर है और इन्होंने इसको लेट लेट के दिया हुआ है, मतलब आपको जब पढ़ना है ना तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना होले जैसे, आपको उसको शॉर्ट समरी बना के पढ़ना है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, यस। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। हमारा ये यूनिट खत्म हो रहा है। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और जो लोग मुझे देख रहे हैं अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको अच्छा लगा तो ही अगले वीडियोज़ को अपलोड करवाऊंगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई टेलीग्राम चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।